हेलो फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स आई हो आप लोग बहुत अच्छे आज हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस सेशन में हम लोग ने शेड्यूल थ्री के हिसाब से बैलेंस शीट पूरी डिस्कस की थे और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए वैसे कोई होमवर्क तो पिछले सेशन में आपको दिया नहीं था लेकिन आज से आप लोग को होमवर्क मिलना भी शुरू हो जाएंगे तो हम लोग पहले एक बार क्विक रिविजन कर लेते हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किए थे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर टू हम लोग शुरू करने वाले शेड्यूल थ्री के हिसाब से जब हम बैलेंस शीट बनाते जो हमारे वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते इक्विटी और लाइब्रेटी को हम पहले लिखते इक्विटी में क्या चीज आती है दो चीज आती है एक आता है हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देन उसके बाद नॉन लाइब्रेटीज दो तरह की होती है एक होती नॉन करंट लाइब्रेटीज और एक होती करंट लाइब्रेरी अब आपने शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज आती है आपकी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल हमने क्या देखे थे अदर देन कैश कंसिडरेशन अगर हमने कोई भी शेयर इश्यू करें

यहाँ पे लॉस था हमारा एटी का तो लॉस को क्या एसेट साइड में बताएंगे नहीं यहाँ आपको नेगेटिव फिगर ही बताना है और आउटर कॉलम पे भी अगर यहाँ पे नेगेटिव फिगर आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर हम लोग ने बैलेंस शीट में यहाँ पे बात की थी सारी चीजें आई होप आप लोग ने पढ़े हो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कोई भी सेशन पे आओ तो पिछले सेशन में हमने जो भी पढ़े थे वो आप लोग को एक बार पढ़ के आना रहेगा नॉन करेंट लाइब्रेरी में आपने देखी थी लॉन्ग टर्म बॉलोविंग कोई रही विदेन हम हमारा डेफर टैक्स लाइब्रेरी में आता नहीं यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस चैप्टर में आएगा नहीं कहीं इन टैक्स री को डील करता है अकाउंटिंग अंडर ट्वेंटी टू और वहां पर कवर होता है देन अदर लॉन्ग टर्म लाइब्रिटीज अगर कोई आपके रही और आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका नॉन करंट लाइब्रेरी में करंट लाइब्रेरी में आपकी चार चीजें आती शॉर्ट टर्म बॉरिंग ट्रेड पेबल अदर करंट लाइब्रेरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन अब एक चीज ख्याल रखना आपने इसको आपको लिखते लिखते आदत हो जाएगी अभी आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया जब दो तीन क्वेश्चन हो जाएंगे और जब आपको होमवर्क दूंगा तो इसकी आपको आदत हो जाएगी एंड देन एसेट साइड में दो होता हमारे नॉन करंट एसेट करंट एसेट नॉन करंट एसेट में ख्याल रखना बहुत सिंपल होता है तीन मेन रहते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल और अदर नॉन करंट एसेट बाकी और आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये तीन ही मेन आते हैं ये बहुत ही रेयरली होता है आपका कि लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दिए अदर नॉन करंट एसेट आए हुई दिया तो हम लोग लिख देगी ले लेकिन मेन तीन आप लोग के होते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये तीन आप लोग के हमेशा आते हैं करंट एसेट में ये सब आते करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म लोन एडवांस हमने किसी को दिया और अदर करंट एसेट अब एक चीज ख्याल रखना ये करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में फर्क ही होता है इसको एज थर्टीन डील करता है तो मैं रेफरेंस देना नहीं चाहता लेकिन कोई एज उसके बारे में बात करता है और एज थर्टीन आपसे कहते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का इंटेंशन एक साल से ज्यादा का है तो हम उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं और उसको होल्ड करने का इंटेंशन अगर एक साल से कम है कोई इन्वेस्टमेंट को जैसे तो हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते तो मेनली जब आप लोग बैलेंस शीट बनाओगे तो फिकर मत करेंगे कॉपी पेस्ट करना रहेगा हमको इसकी नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करा लेकिन आपको मेन चीज ख्याल रखना शेयर होल्डर्स होल्डर में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा लिखना है नॉन करेंट लाइब्रेटी में आप लोगों का लॉन्ग टर्म बोरोइ जनरली रहता है उसके अलावा अगर अदर लॉन्ग टर्म लाइब्रेटी कोई दी तो आप लिखोगे देन करंट लाइबिलिटी में आप लोग का ट्रेड पेबल अदर करंट लाइब्रिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जनरली रहता है नॉन करंट इसमें तीन हमेशा रहता है कौन सा तीन जनरली रहता है मतलब हमेशा तो नहीं कहना चाहिए जनरली रहता है दैट इज प्रॉपर्टी एंड एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप लोग का फिर करंट में आप लोग का करंट इन्वेस्टमेंट देन इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म लोन एडवांस हमने दिए किसी को और अदर करंट एसेट अब एक चीज ख्याल रखना आपने ये सारी जो चीजें थी हम लोग ने प्रीवियस सेशन, तो सेशन में भी आधा दिन हम और फोर, हम ने थी को डिस्कस करने में लगाए थे शेड्यूल थ्री के हिसाब से तो इसको बहुत अच्छे से आप जितनी बार रैपिड जिसको आप देखोगे आप उसमें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आपको आज पढ़ा है जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा अब क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए

अभी हम लोग किसके बारे में बात करें बैलेंस शीट के बारे में बात करें इक्विटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है हिसाब से स्टेटमेंट कैसा होता है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा करेंगे जो सिर्फ बैलेंस शीट पे और ख्याल रखना क्वेश्चन तो हम लोग बहुत करेंगे और आपको होमवर्क भी बहुत मिलेंगे मैं आपको हर चैप्टर के एंड में

क्लास में से जो क्लास क्वेश्चन है और होमवर्क क्वेश्चन सेशन में एक क्वेश्चन किए थे और रेपिड जिसमें अगर आप देखोगे तो जो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे एक जगह पे दी हुए तो ये एडजस्टमेंट हमारे प्रीवियस सेशन में होते क्या हुए थे अगर आपने कोई शेयर इश्यू करे अदर देन कैश कंसीडरेशन तो क्या करना हमको उससे हमें डिस्कलोज करना होता है कहां पे नोट्स टू अकाउंट में जो शेयर कैपिटल का हमारा शेयर uh, कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें हमको बताना रहेगा इनर कॉल में ऐसे कितने शेयर है जो कि अदर देन कैश कैशीडरेशन और ट्रेड रिसीवेबल का हमको क्वेश्चन में देता है कि ड्यू फॉर मोर देन सिक्स मंथ कितने तो हमें बताना पड़ेगा जो ड्यू हो गया ड्यू डेट के बाद भी पैसा नहीं मिला मोर देन सिक्स मंथ कितने और अदर कितने उसके बाद हमको कई बार ऐसा होगा कि कॉस्ट ऑफ एसेट वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा

देन देखे थे लोन अकाउंट इज इंक्लूसिव इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ओके अब यहाँ पे था कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोन अमाउंट दे है अब लोन लॉन्ग टर्म है लेकिन कहते हैं उसमें से इंटरेस्ट कुछ बताता है कि कुछ अमाउंट फॉर एक्साम्पल टेन लाख टेन लाख में बोलेगा कि वन लाख रूपी इंटरेस्ट है जो थे कि ड्यू हुआ अक्रूड बट नॉट ड्यू एनी जो भी लाइब्रेटी इन अदर में जो आपसे ये कहना चाहता है अक्रूड बट नॉट ड्यू वो अदर करंट लाइब्रेटी में आता है ये भी हमने बात की थी तो अक्रूड बट नॉट ड्यू जो आपका अदर करंट लाइब्रेरी का हिस्सा है, और वो अगर आपके लोन में इंक्लूड है तो लोन तो एक long term borrowing, तो लोन में में से अपन करते और other current liability में बता दे। वैसे दोनों ही लाइब्रेरी साइड में अपियर होते हैं, हैं, दोनों ही liability side में appear होते आपका लोन का अमाउंट भी और इन, आपका इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू दोनों के दोनों आपके लाइब्रेरी साइड में ही अपियर होंगे, लेकिन एक अदर करंट लाइब्रेरी और एक आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग अब आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि कुछ पैसा ऐसे बैंक में रखा हुआ जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है तो हमें बताना तो कि शेड्यूल बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है और अदर देन शेड्यूल बैंक कितना तो जो शेड्यूल बैंक नहीं है उसका अमाउंट हमको बताता है तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर आ जाती है कि शेड्यूल बैंक में हमारा पैसा कितना रखा हुआ है देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोज में आऊंगा मैं, मैं पढ़ाऊंगा होमवर्क दूंगा हर चैप्टर के बाद टेस्ट भी होंगे और बहुत अच्छे से सारी चीजें करके बहुत मजा आएगा लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि आपको भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा आपको बस सिंपल बस चीज कि आपको कंसिस्टेंसी करेंटेंसीटेन करें जो भी मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूं वो आपको रोज पढ़ना अब पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क तो नहीं दिया था लेकिन आपको ये आपको ये चीज ख्याल होमवर्क नहीं दिया था लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी कि जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया है रेपिडली सब बच्चों को यहाँ पे जो भेजा गया था बहुत से बच्चों को मिलने लगी बुक्स अगर आपको नहीं मिली तो एक दो दिन में आ जाएगी आपकी बुक्स ठीक है अब उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपको रोज पढ़ाया गया उसका आपको रोज पढ़ना बस इतना ख्याल उससे ज्यादा कुछ मैं उम्मीद नहीं करूं बस रोज मैंने पढ़ा और रेपिड जिसमें से आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने बैलेंस शीट आपसे डिस्कस किया बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया आपकी क्या जिम्मेदारी थी कि उस बैलेंस शीट को गो थ्रू आप करोगे उसके बाद और बहुत जल्दी होगा क्योंकि क्लास में हम लोग इतनी डिटेल में डिस्कस करें आप जब उसको रिविजन करोगे बहुत जल्दी होगा जो एडजस्टमेंट आपको एक जगह पे दिए तो यहां पे जब मैंने डिस्कस किया आपको एक्सप्लेन किया अब मैं आपको हर सेशन में इसको रिवाइज भी करा के दे रहा हूँ। अब आपकी भी जिम्मेदारी कि आप भी इसको शाम को सेल्फ स्टडी के लिए जब करोगे तो आपको ये चीजों को एक बार देखना जरूर रहेगा और सेल्फ स्टडी मिनिमम आपको मुझे ऐसा लगता है कि रोज तीन घंटे निकालना रहेगा सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं बोला

अब हम लोग आते हैं यहां पे आप आ जाएंगे क्वेश्चन बैंक में और क्वेश्चन बैंक में मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर टू पे तो मैं शुरू करते क्वेश्चन नंबर टू और अप्रोच कह रहे हैं इसको आपने अच्छे से समझना जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो एग्जामिनेशन में भी ख्याल रखना सबसे पहले देखना पूछा क्या है? अब देखो यहां पे मेरे को पता है कि हमने सिर्फ बैलेंस शीट की की बात की तो बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन में या पूरा चैप्टर में जब आप होमवर्क करोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज देखना कि आपको पूछा क्या है हम लोग से क्वेश्चन में कहते हैं यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे

ट्रायल में हम लोग आता है क्या ट्रायल बैलेंस हम लोगों के यहाँ पे एसेट एक्सपेंस इनकम लाइबिलिटी और कैपिटल ये पांच चीजें तो रहती है और एसेट और एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं बच्चों इनकम लाइबिलिटी और कैपिटल इनके कौन से बैलेंस होते इनके क्रेडिट बैलेंस होते अब आपने क्या कि उसने इस जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे और जो प्रीवियस क्वेश्चन की थे उसमें भी एक्सपेंस और इनकम नहीं दिया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना चुके हो कह रहे उसने क्या किया दोनों का डिफरेंस जो रहता है इनकम और एक्सपेंस का दैट इज प्रॉफिट और लॉस वो क्वेश्चन में हमको दे देता है तो जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करें उसमें भी यही होने वाला है उसमें भी यही होने वाला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी आपका बन चुका है अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है इट मीन दैट यहाँ पे कि आपको ट्रायल मेन्स में प्रॉफिट दे देंगे और इस ट्रायल मेन्स में कहीं पर भी आपको इनकम के और एक्सपेंसि के आइटम नहीं देखेंगे दोनों का जो डिफरेंस होता है आइदर प्रॉफिट और लॉस वो क्वेश्चन में हमको बता देगा अब उसके फॉर द ईयर दर्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी मैं उसको रीड करता हूँ लेकिन पूछा क्या सबसे आखिरी में देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट हमें बैलेंस शीट बनाना है ऑफ द कंपनी प्रीवियस ईयर फिगर्स अब ख्याल रखना जब भी हम लोग कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते तो रियल लाइफ में होता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ

मूवमेंट हुआ उस पर्टिकुलर आइटम में फॉर मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ शेयर कैपिटल इस तरीके से भी कहता है लास्ट ईयर था एट लाख और इस सालों के 10 दो लाख रुपए से क्या शेयर कैपिटल बढ़ गया तो इस तरीके से हमको कंपेरिजन के लिए बताते आसानी हम कि इंप्रूवमेंट कितना और? लेकिन वो क्वेश्चन में हमसे कहता है कि प्रीवियस ईयर की फिगर्स आपको बताने की जरूरत नहीं नहीं बताएंगे ना क्वेश्चन में कोई प्रीवियस ईयर की फिगर्स आपको देता नहीं है कि दोनों ऐसा होता नहीं यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर हम चाहकर भी नहीं बता सकते क्वेश्चन में देगा प्रीवियस ईयर की फिगर तभी बता सकते अदरवाइज नहीं बता सकते तो आपको कोई प्रीवियस ईयर की फिगर्स नहीं आती सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए पे बता रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी लिखा जाता है रियल लाइफ में स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाए कि लास्ट ईयर कितनी फिगर थी और बच्चे इस साल कितनी कि बैलेंस शीट बनाना ये आपको समझ में गया अब रास्ता पहले देखेंगे जाना बैलेंस शीट बना अब ये सारे आइटम अपने यहाँ पे पड़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली अप शेयर ऑफ रुपीज फिफ्टी तो आपका कैपिटल कितना है आपका एट्टी लैक्स का और आपका

Then plant inventory 24 lakh furniture fixtures 13 lakh. Then uh, you have securities premium 15 lakh. Now general is a 9 lakh 41 thousand. Profit and loss account 5 lakh 80 thousand. Loan from public finance corporation secured by hypothecation of land 26 lakh 30 thousand. Other long term loans 22 lakh 50 thousand. Short term borrowing 4 lakh 60 thousand. Inventories finished goods 45 lakh. Raw material 13 lakh. बैलेंस uh, okay? में लिखा ना एसेट के डेबिट बैलेंस होतेट कब होंगे जो हमने किसी को दी अगर हम किसी से एडवांस रहते तो लाइबिलिटी तो फिर क्रेडिट साइड में लिखा क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखा हुआ तो वो ऑब्वियसली मेरी एसेट हमने किसी को दी

तो ट्रेड रिसीवल, रिसीवल के बारे में मुझे तो पे में मुझसे ट्रेड रिसीवल के बारे में पर है है ठीक नया बैंक विच इज नॉट आप शेड्यूल बैंक नहीं है उसके बारे में बैंक बैलेंस के बारे में पॉइंट नंबर फोर्थ में कुछ कहा है तो मैं बैलेंस विद बैंक में रेफरेंस दे दूंगा पॉइंट नंबर फोर में यहां पे दे दूंगा अब फिफ्थ में यहां है लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन रीपेबल आफ्टर थ्री इयर्स तो बेसिकली आपको क्लू दे रहा है कि आपने लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो, जो लोन लिए वो तीन साल बाद पे कर आपको क्लू दे रहा है कि लॉन्ग टर्म वो नहीं भी कहता तो मैं अज्यूम यही करता था कि लॉन्ग टर्म है है ठीक बॉरो है? तो स्पेसिफिकली कह दिया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं तो इसके बारे में लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आपको पॉइंट नंबर थ्री में उसने कुछ कहा है फिर थ्री नहीं सॉरी पॉइंट नंबर फिफ्थ में कुछ कहा

लेकिन ये भी किसके बारे में बात करें पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में पॉइंट नंबर जो हमने लोन तो पॉइंट तो के, के, के बारे में फिर आगे हम से कहते हैं सेवेंथ में अदर लॉन्ग टर्म लोन अनसिक्योर्ड इंक्लूड्स लोन टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक थर्टीन लाख एट्टी थाउजेंड अमाउंट रीपेबल विद इन वन ईयर फोर लाख एट्टी थाउजेंड

सबसे आखिरी में हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले इसके बारे में चब चर... इस वन ओके इसका मैं हाईलाइट कर ओके ये पॉइंट आपसे क्या कहता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे आखिरी में ओके फिर हमसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है दैट शॉर्ट टर्म बोरोविंग के बारे में कुछ कह रहा है शॉर्ट टर्म बोरोविंग के बारे में हमसे कहता है दैट लोन फ्रॉम नया बैंक वन लैक सिक्सटीन थाउजेंड विच इज सिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्ट इज फोर्टी एट ठीक है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में कुछ पॉइंट नंबर नाइन में कहें। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको हैज बीन प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर तो देखो इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली कह दिया कि आपको रिजर्व में आपको ट्रांसफर करने के लिए कहा थर्टी फाइव थाउजेंड कहां से ट्रांसफर करने के लिए कहा उसने कहा थर्टी फाइव थाउजेंड जनरलिज्म उसी में से तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस सेशन में किए थे वहां पर भी ऐसा पॉइंट आया था वहां पर स्पेसिफिकली नहीं बोला देखो यहाँ पे ट्रांसफर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड टू प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं बोला लेकिन वो इंप्लाइड था कि प्रॉफिट में से जो आपको देना है यहां पर उसने स्पेसिफिकली बोल भी दिया आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर

तो वहां वहां से प्रॉपर रेफरेंसेस पे उसको देखते जाएंगे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसके बारे में है, और वहां से हम लोग एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे पहले मैं कह दू ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में आपको इसमें से क्वेश्चन आसानी से आ सकता है फोर्टीन मार्क्स एक सिंगल क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आप इस स्क्रीन पे देख रहे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है आपका लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है एग्जामिनेशन में फोर्टीन मार्क्स का या हो सकता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके पूछ ले ठीक है मगर इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं दिन बाद दिन ब लेवल आपके एग्जामिनेशन का बढ़ते जा रहा है देखो पहले क्या होता था अब स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करने लग गए अब परसेंटेज तो आईसीए को उतना ही निकालना है ना जितना उसको लाना रहता उतना ही निकालना लेकिन ये एक बात बहुत अच्छी हुई अब फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत डिफिकल्ट कर दिया अच्छी भी बात है एंट्री डिफिकल्ट कर दो कि इंटर लेवल में बहुत ही क्रीम क्राउड आए और इंटर को थोड़ा सा आसान करो फाइनल को और आसान ने कहा भी था कि एंट्री लेवल को डिफिकल्ट करेगा तो यही बात हुई कि एंट्री लेवल को डिफिकल्ट करे पासिंग परसेंटेज फाउंडेशन लेवल का थोड़ा सा कम होता है और यह अच्छी भी बात है एंट्री लेवल को डिफिकल्ट कर दो आगे थोड़ा सा आसान कर लेके तो अच्छी बात है लेकिन आपको भी मेहनत करना है और ये क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स जैसे आपको यहाँ पे अब बच्चे भी बहुत मेहनत करने लग गए अब एग्जाम तो भी बढ़ गया है बहुत। तो यही क्वेश्चन को आईसीआई क्या करते हो सकते हैं कभी इसको इजी करके पूछ मैं ग्यारह एडजस्टमेंट में आपको बताया तो हो सकता है आप लोगों को वो क्या करें थोड़ा सा कम करके पूछ ले ये भी हो सकता है ये हो सकता है कि 14 मार्क्स का पहले क्या होता था, था आपको अभी न्यूज सिलेबस में 14 मार्क्स का जो आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर कोई आए तो 14 मार्क्स का एक आता है आपको मतलब पिछले में सिंगल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे मार्क्स से उसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन है आगे पढ़ेंगे इंटरनल रिकन उस चैप्टर से भी फोर्टीन मार्क्स एक्सामिनेशन क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है तो मैक्सिमम जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस में हो गए ना

पहले जो ट्वेंटी मार्क्स के लिए पूछता था वही आपको फोर्टीन के लिए पूछे लेकिन थोड़ा सा ईजी कर दे टाइम थोड़ा सा कम लगे लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस बहुत करें प्रैक्टिस बहुत करना रहेगा और क्योंकि अभी क्लास शुरुआत की हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं और मैं आपको ये लेक्चर्स मतलब क्वेश्चन भी थोड़े से लेंदी होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज फिर आप उसको लिखते हो और फिर हम साथ में उसको जो हम सोल्व करते इट विल टेक टाइम तो एक एक क्वेश्चन को वन आवर से भी ज्यादा मेरे को लगेगा ये बहुत समय लेकिन आप ये नहीं सोचते सर तो एक घंटा एक क्वेश्चन के लगा लेंदी क्वेश्चन है पहले ट्वेंटी मार्क्स के लिए आते थे और हम लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी और मैं जब आपको अभी बता रहा हूं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक्सप्लेनेशन में ऑब्वियसली टाइम लगता है इसीलिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो, तो आपको समय कम लगना चाहिए तो दैट विल टेक टाइम जब आप होमवर्क होमवर्क करोगे कई बच्चों डाउट भी आता है है करते वक्त थोड़ा समय लगता इट्स ओके okay. लेकिन धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करते हो समय क्या होता है कम होते जाता है ओके okay? तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और किस तरीके बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को यह भी दिक्कत आती है कि नोट्स अकाउंट किसके हमको बनाना होता तो छह सात तो फिक्स हैं आपके शेयर कैपिटल हो गया लॉन्ग टर्म तो बनाना बनाना ओके इसके अलावा अगर आपको एडजस्टमेंट दिए तो आप बना सकते हो और ऐसा जरूरी नहीं होता तो, तो, तो मैंने नोट कौन द, दस बना या आप होमवर्क जब करोगे तो आपको लगा कि दस पे टेन नोट्स हो सकता है कि ग्यारह बने किसी के आठ बने इट मे हैपन वो तो आपका आपका इंडिविजुअल जजमेंट होता है कि वो तो, बना बना है। तो, आप बना लो, तो अच्छी बात है कई बार इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड आंसर होते हैं दस नोट्स है, तो में हो सकते हैं कि बारह कोई अटम्प हो सकता है आठ ही नोट तो डिपेंड्स करता है मेन सात आठ तो बनाना उसके अलावा अगर कुछ एडजस्टमेंट लगता है आपको एक आइटम से ज्यादा कोई हेडिंग में अगर आपको लगता है तो आप उसका भी नोट्स जो अकाउंट बिल्कुल बना सकते हैं तो पहले अब आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ठीक है पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ओके नो राइट डाउन देयर क्वेश्चन नंबर टू ठीक है और हंसते खेलते खुशी खुशी पढ़ाई करना टेंशन में कुछ नहीं होता ठीक है जब आपको बार बार ये कहता हूँ रिलैक्स मतलब डिसिप्लिन रखना लेकिन स्ट्रेस नहीं ले ले। स्ट्रेस में क्या होता है कि ना पढ़ाई होती ना मतलब स्ट्रेस भी होता है और पढ़ाई भी नहीं होती तो स्ट्रेस नहीं लेना बस कंसिस्टेंसी रखना रोज रोज का रोज पढ़ो और जो मेहनत करो ना जो दिन भर की मेहनत करके जब रात को सोने जाओगे ना बेड पे उसकी खुशी अलग होती दिन भर डिसिप्लिन अपना एकदम रखना जो प्रॉपर आपका जो शेड्यूल बना उसके हिसाब से पढ़ाई करना होमवर्क करना सब करो और फिर रात की नींद देखो जो सुकून भरी नींद रहती है ना दिन भर मेहनत करे और उसकी बात अलग होती है तो आपने सिर्फ कंसिस्टेंसी रखना मेहनत बराबर करा और बराबर सारी चीजें क्यों सिस्टमेटिकली होते जाएंगे राइट ऑन देयर क्वेश्चन नंबर टू राइट ऑन देयर क्वेश्चन नंबर टू एस आर लिमिटेड ओके हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी एटीन एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी एटीन Okay, इसको आप ड्रॉ करो एक पेज में नीचे ना एक दो लाइन छोड़ दें क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको बताता हूं एक दो लाइन का आपने स्पेस रखना बस नीचे ओके राइट डाउन देर नोट Okay. Note. Now, equity and liabilities. Shareholders' fund. Shareholders' funds. Share capital. Reserve and surplus. Second, non current liability. Write down non current liabilities. Okay. Long term borrowing. करंट लाइब्रेटी उसमें आप लिखो फिर शॉर्ट टर्म बॉरविंग आपका फिर ट्रेड पेबल एक रहता है ओके okay? और क्या रहता है वहां पे देखो ट्रेड पेबल आपका देन अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन राइट डॉन देयर अदर करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन ओके सेकेंड अपने यहां पे टोटल आएंगी देन एसेट्स, नॉन करंट एसेट, ओके इसमें तीन ही लिखना वैसे बहुत सी चीजें होती डेफॉट ये सब रहता नहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रहता नहीं आपका थे इसमें हमेशा तीन लिखना आपने कभी ज्यादा दे दिया तो बात अलग है ठीक है आप तीन लिखेंगे देन यहां पे देखेंगे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल्स देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट देखो करंट एसेट में वो लिस्ट है आपकी पूरी कौन सी लिस्ट है आप देखो यहाँ पे यहाँ पर आप, यह आपको करंट 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 इन्वेस्टमेंट रियरली होता है okay? इन्वेस्टमेंट दिया तो जनरली लॉन्ग टर्म होता है अब यहाँ पे ख्याल रखना आपने <coughs> यहां पे आपने इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस और अदर करंट एसिड सब लिखना रहेगा आपको ओके, नो राइट इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल राइट इन्वेंट्रीज देन ट्रेड रिसीवेबल देन वी हैव कैश एंड कैश इक्वेलन शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस देन अदर करंट एसेट ओके टोटल अब ये तय करना कि किसके हमको नोट्स अकाउंट बनाना है ठीक है नोट्स अकाउंट किसके हमको बनाना है तो शेयर कैपिटल का आपको हमें हमेशा नोट्स अकाउंट एक शेयर कैपिटल का आप बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस अब देखो इस, इसमें अगर आप, आप देखो आप खुद देखो यहां पे यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते तो आपको यहाँ पे किस किस पे यहाँ पे दिए शेयर कैपिटल पे ठीक है पीपी पे बनाएंगे आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस पे यहाँ पे बनाएंगे ये लॉन्ग टर्म है ये आपका फिर अदर करंट अदर लॉन्ग टर्म लोन है तो लोन ही ठीक है शॉर्ट टर्म बोरोविंग पे अपन बनाएंगे इन्वेंट्री पे बनाएंगे समझ में इस तरीके से तय करा जाता तो आपने यहाँ पे रेफरेंस बहुत आसान हो जाता आपके लिए तो देखो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखता तो। हूँ कौन कौन से यहाँ पे बनाए एशियर कैपिटल पे अपन बनाएंगे देन पर आपका पीपी -पी के ऊपर बनाएंगे देन ये आपका जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस है आपका लॉन्ग टर्म बोरोंग है देन ये आपका अदर लॉन्ग टर्म लोन उसी में आएगा फिर ये आपकी शॉर्ट टर्म बोरोंग है ठीक है अब आपका इन्वेंट्रीज के ऊपर बनाना है आपको ठीक है इन्वेंट्रीज के ऊपर बनाना है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर हम लोग बनाएंगे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाए कितना काम आसान हो गया आप ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन बना सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिए तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बना लो और क्या होना इतना तो आसान है आप नोट्स बनाना ठीक है अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं भी बनाए तो भी चलेगा क्योंकि उसको नहीं बोला एक ही आइटम दी तो नहीं भी बनाए तो भी चलेगा तो फिक्स नहीं होता आप चाहो तो बना भी सकते हो ठीक है अब यहाँ पे आप नोट्स अकाउंट के रेफरेंसेस देते जाओ तो आपने पे लिखे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सर्विस अदर करंट लाइब्रेटीज पे भी हम चाहे तो देख सकते हैं पे क्योंकि other current liabilities में क्या हो रहा है पे कुछ आइटम्स आपके यहां पर अदर करंट फॉर इंटरेस्ट अक्रूड उसने यहां पर दे रखा कहा गया क्वेश्चन इंटरेस्ट अक्रूड यहां दे रखा अपने इंटरेस्ट अक्रूड आपका और जस्ट मिनट एक सेकेंड कुछ अदर करंट लाइब्रेट में आपका ये अनपेड थी, okay, so yes, डिविडेंड भी ठीक yes, है अनपेड लोगों का भी कोई पॉइंट वो आपका अदर करंट लाइब्रेटरी में आता है और आप लोगों का यहाँ पे अनपेड वो भी अदर करेंट लाइब्रेट में अब होता है क्या है बच्चे इतना जजमेंट नहीं आता कभी कभी मतलब हम लोगों ने यहाँ पे मैं फिफ्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजन सिक्स लिख लेता हूं आप क्या होता है कि जजमेंट एक सेकंड पहले मिलेगी सेवन आपका प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल पे नहीं है इन्वेंट्री से बना नहीं अब वो इंटरेस्ट का पॉइंट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए वो अदर करंट लाइब्रेरी में आता अनपेड डिविडेंड ट्रायल बेन्स में दिए वो भी अदर करंट लाइब्रेरी में आपका आता है अब वो जजमेंट नहीं आता हम लोग से कभी कभी आप बोलोगे कि बना क्योंकि एकदम से क्लिक नहीं होता तो कभी अगर ऐसा हो गया कि आपसे कोई पॉइंट छूट गया कोई जरूरी नहीं हो सकता है कि आपने यहाँ पे नोट्स अकाउंट इसका रह गया आपका अदर करंट लाइब्रेरी अब जब आप बनाने लगे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे आपको रियलाइज यार इसमें तो दो आइटम है इंटरेस्ट अक्रूड वाला एक आइटम है और अनपेड डील दोनों के दोनों अदर करंट लाइब्रेरी में आता और वो पॉइंट हमसे रह गया तो अगर आपको लगता नहीं वो पॉइंट हमसे रह गया और वो पॉइंट भी यहां पे आना उसका भी एक नोट्स अकाउंट बनना चाहिए था तो अब वो रह गया तो क्या करू अब आपने सपोज यहाँ पे यह नहीं लिखते अगर आप अगर आप ये नहीं लिखते थे यहाँ पे नोट नंबर फिफ्थ अगर नहीं लिखते थे तो यहाँ पर आपके टोटल नोट्स नोट नाइन ही होते थे अगर फिफ्थ नहीं देते थे नंबर तो नौ नोट्स नोट कौन होते फिर बाद में अगर आपको रियलाइज अरे नियर अदर करंट लाइब्रेरी पे भी आपका है तो आप इसको टेन नंबर दे दो कोई दिक्कत की बात अगर कोई भूल गए और ये रियलाइज होता है कि एक से ज्यादा आइटम उसमें है तो यहाँ पे उसको फिर यहाँ पे नाइन आता था और यहाँ पे टेन नंबर दे देता तो वैल्यूअर को समझ में आ जाता कि नोट्स नोट कौन लेकिन बनाया उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप भूल गए तो बेहतर हमेशा ये आप इस बनाओ एक बच्चे देखो फेस क्या करते भी मैं आपको कुछ बच्चे, एक बच्चे का कुछ दिन पे रेफरेंस, उसके कौन -कौन से नोट कौन बना आपने यहाँ पे लिख लिया फिर वैसे नोट्स ओकॉन आपने सारे बना लिए अब एक स्टूडेंट ऐसी अप्रोच मत रखना पहला एडजस्टमेंट कैपिटल का दिया तो आपने पहला नोट्सौन नंबर आपने कैपिटल पे लिखे दूसरा नोट आपने क्या करे पीपी पे करें फिर तीसरा पे चौथा एसेट लाइब्रेरी के ऊपर नहीं, नहीं कभी कोई नोट कोई बनाना छूट गया ठीक है बाद में आपको रियलाइज होता नहीं उसका बनाना था वो बात अलग है लेकिन आप ऐसा नहीं कर जिस सिक्वेंस में उसी सिक्वेंस में ऐसा नहीं बहुत आसान है जो भी सिक्वेंस में अपने कोई फर्क नहीं पड़ता आपने यहाँ पे ट्रायल दे देना और आपने जिस फ्लो में आपकी बैलेंस शीट बनी उसी फ्लो में आपने नंबरिंग वन टू थ्री फोर इस तरीके से आपको देना रहेगा कभी अगर आपसे कोई छूट गया तो इट्स ओके फिर आप, सपोज यहाँ पे नोट नंबर में नहीं बनाता तो फिर मैं यहाँ पे नोट चौका नाइन ही बनता और फिर मैं नोट यहाँ पर फिर रेफरेंस नंबर टेन दे देता हूँ नोटसो का नंबर टेन देता इट्स ओके अगर छूट गया बाद में रियलाइज हुआ तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं ठीक है अब आप जल्दी जल्दी लिखेंगे यहाँ पे नोट इसके बाद ना आपने एक दो लाइन का स्पेस रखा मैं बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट के बाद दो तीन लाइन का स्पेस रखना बाद में बता रहा हूं क्यों ठीक है अब आप यहां ओके, राइट डाउन देयर टू अकाउंट नंबर अभी एकदम फोकस आपका पढ़ाई पे रहना चाहिए इधर उधर कुछ ध्यान एकदम फोकस क्वेश्चन पर रहना चाहिए ठीक है फर्स्ट शेयर कैपिटल इसमें आप छे सात लाइन का स्पेस रखो नोट नंबर टू रिजर्व एंसर प्लस इसमें सात आठ लाइन का स्पेस रखो सब में चार पांच चार पाँच एवरेज कैपिटल रिजर्व एंसर पीपी -पी में थोड़ा ज्यादा रहता है बस और क्वेश्चन लॉन्ग टर्म बोरिंग में ज्यादा सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड आ जाता है तो नोट चो अकाउंट नंबर यहाँ पे थ्री लिखो दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग में ज्यादा रखो इसमें बहुत एडजस्टमेंट दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अब मैं ऐसे क्यों कह तो रहा हूं थोड़ा ज्यादा रखो क्योंकि तो वो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिया है उसमें सिक्योर फिर अदर लॉन्ग टर्म लोन भी दिया उसने फिर उसमें कुछ आप कैसे भी है जो आपका इंटरेस्ट अक्रूड वाला उसका पोर्शन था ठीक है तो वो विद इन वन ईयर है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे तो आप इसकी स्पेस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ज्यादा रखो ठीक है सात आठ आठ एक लाइन आठ नौ लाइन बल रख दो ठीक है मैं तो नेक्स्ट पेज में नोट्स नोट फोर्थ बना दो राइट डाउन दे नोट टू अकाउंट नंबर फोर्थ नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग पांच छह लाइन फिफ्थ आपने जो बनाए थे फिर अदर करंट लाइबिलिटी आप देखो ये नोट्स का सीक्वेंस वही है जो अपन ने बैलेंस शीट में नोट नंबर दी बस वहीं से ले रहा तो आप वहां पे लिख वहां से आप देखो वैसे ही फ्लो में लिख रहा अदर करंट लाइबिलिटी आप तीन चार लाइन का स्पेस शॉर्ट टर्म प्रोविजन तीन चार लाइन का स्पेस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट छह सात लाइन का स्पेस इन्वेंट्रीज चार पांच लाइन के स्पेस देन वी हैव नाइन्थ ट्रेड रिसीवेबल तीन चार लाइन का स्पेस ओके नौ उसके बाद टेन्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्टर लिखा आपने, इतना। ओके। क्याश क्याश लिखे आपने ना। हमने दस नोट कौन बना लिए अब ट्रायल बैलेंस हमारे सामने दी हुई है अपने को करना क्या यहाँ पे एक एक करके अब यहां से आइटम लेना ठीक है अब आपने जल्दी जल्दी अब करना ओके इक्विटी शेयर कैपिटल आपके रुपीज फिफ्टी ए के और आपका एटी लैक्स ये कहा जाएगा आपका ये शेयर कैपिटल वाले नोट्स आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख भी दे रहा हूं शेयर कैपिटल वाले नोट्स अकाउंट में नोट्स अकाउंट नंबर वन में चले जाओ एंड राइट डाउन देर कितने शेयर होंगे आपके एटी लैक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टी राइट डाउन देर वन लैख सिक्सटी थाउजेंड इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज फिफ्टी एटी लैक्स उसके बारे में पॉइंट नंबर वन में अपने को कुछ कहा है। क्या कहा है पॉइंट नंबर वन में? मेंुली पेड इक्विटी शेयर कंसिडरेशन फॉर लैंड क्योंकि जमीन खरीदेंगे उस वक्त आपने शेयर अलॉट करें देट इज नथिंग बट अदर देन कैश कंसिडरेशन यहां पे हमको मेंशन करना पड़ेगा आउट ऑफ दब इक्विटी शेयर

सेकेंड आइटम रही कॉल्स इन अरियस दैट इज़ 15,000 पंद्रह हजार का कॉल इन अरियस उसको बताया था शेयर कैपिटल में से क्या करते माइनस लेस कॉल इन अरियस हाउ मच इट इज़ 15,000 ओके कॉल इन अरियस हाउ मच 15,000 उसको माइनस करते डेबिट बैलेंस है अभी आपका लैंड 25 लाख बिल्डिंग आपका थर्टी लैक्स ट्वेंटी फोर लाख ट्वेंटी फोर लैक प्लांटेड मशीन फर्नीचर फिक्स थर्टीन लैक ये पीपी -पी है तो ये कहा जाएंगे सारे के सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट्स का और ये डब्ल्यू डीवी क्यों कह रहा हूँ आपको यहाँ पे दिए तो ये डब्ल्यू डीवी ठीक है थीके? तो आप यहां पे जाएंगे नोट्स तो अकाउंट नंबर आपका कौन सा सेवन पे देखो एसेट कॉस्ट अक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन अक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वाले रिटर्न डाउन वाल ओके अब ऐसे में आप देखो लैंड बिल्डिंग दूसरी आपको दे रखा देन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फेक्शन अब देखो यहां पे आप करें आपको डब्लू डीवी वाली वैल्यू गलती नहीं करना ट्वेंटी फाइव थर्टी ट्वेंटी फोर थर्टी डब्ल्यू डीवी तो यहाँ पे डब्ल्यू डीवी वैल्यू में लिखेंगे ट्वेंटी फाइव गलती नहीं करना ट्वेंटी फाइव लैक्स थर्टी लैक्स ट्वेंटी फोर लैक्स देन वी हैव थर्टीन लाख तो ये आपका डब्ल्यू डीवी वाली वैल्यू तो आपका ये फर्स्ट आपके रेफरेंस के लिख रहा सबसे पहले डब्ल्यू डीवी लिखना कॉस्ट क्वेश्चन में आपको डीवी है वो नोट्स तो कॉम है तो अक्यूमरी माइनस डब्ल्यू डीवी साथ ही साथ लिख लेंगे जिसके बारे में टू पे दे रखा तो है w, uh, तो आपसे कहते हैं कि बिल्डिंग की डब्ल्यू कॉस्ट कितनी आपकी थर्टी टू तो बिल्डिंग में आप लेर्टी टू लैक्स देन वी हैव ये नीचर सिक्सटीन लाख फिफ्टी थाउजेंडे सर यहाँ पे बिल्डिंग दिया प्लांट मशीनरी दिया फर्नीचर की हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में लैंड की कॉस्ट उसने नहीं दिया लैंड के ऊपर नहीं लगता तो जो डब्ल्यू डीवी दिख रही है वही उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है अच्छा तो लैंड के ऊपर डेपोनेशन नहीं लगता नहीं सर पिछले क्वेश्चन में था पिछले क्वेश्चन में यहां पर आपको क्या दिया गया था इसीलिए और बिल्डिंग तो अलग और बिल्डिंग अलग दिया। तो के ऊपर डेप्रेशन लगता नहीं है क्यों नहीं लगता लॉजिकली उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती ना जमीन की कीमत बढ़ती है हमेशा तो यहाँ पे उस पर डेप्रेशन नहीं लगता इसलिए कॉस्ट नहीं दिया डब्ल्यूडीवी दे रखा इट इज इंप्लाइड जो डब्ल्यू वही उसकी कॉस्ट है ओके तो पे आप बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे अभी लिख लो ना थर्टी टू ऑब्वियसली बैलेंस शीट में हमारी डब्ल्यू डीवी की टोटल वहां पर आएंगे लेकिन हमने कर दी कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी आपके अक्यूमलेटेड डिप्रेशन कितना और कितनी है okay? अब आते हैं उसके बाद यहां पे लिखिया आपने ओके okay. अब यहां पर हमसे क्या था उसके बाद दैट इज सक्योरिटीज प्रीमियम ये कहां पे आया आप, आपका रिजर्व एंड सर्प्ल जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सर्प्ल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडीज प्रीमियम लैक नंबर टू राइट डाउन देर रिजर्व एंड सर्प्ल सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना अमाउंट है आपको आउटर कॉलम पे लिखो डायरेक्ट लाख इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं फिर जनरल रिजर्व में पॉइंट नंबर टेन पे मैं लिखता हूँ रिजर्व लिखो नाइन लाख फोर्टी वन थाउजेंड का बैलेंस है जनरल रिजर्व टूनर okay. कॉलम पे लिखा उस पर एडजस्टमेंट क्या पॉइंट नंबर थर्टी फाइव थाउजेंड टू जनरल जनरल इज हमको ट्रांसफर कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर ईयर तो आपसे क्या कह रहे हैं यहां कि जो भी इस साल का प्रॉफिट है उसमें से पैंतीस हजार रुपए थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है इसका मतलब जब भी मैं यहाँ पर लिखूंगा अभी तो फिगर अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का मैं इस साल का एक सेकंड आपको नेक्स्ट आइटम में प्रॉफिट एंड लॉस दिया भाई यस तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमको दिया हुआ जो भी फिगर उसमें से मुझे ट्रांसफर करना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू तो हमको जनरल में ट्रांसफर करना है तो so, मैंने यहां पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा कहां से? इस साल के प्रॉफिट में से तो so, जो भी प्रॉफिट मेरा पर अभी अभी आएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रॉफिट में अपने माइनस करना रहेगा ट्रांसफर करना है जर्नलिज्म में तो so, आप यहाँ पे देखो एड ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट का उसने ट्रांसफर करें 35000 तो आप यहां पे लिखो यहां पे ऐड कर देंगे अब 35000 और यहां पे माइनस कर देंगे 35000 ओके okay. तो एक जगह आप ऐड कर देंगे 35000 और माइनस करेंगे 35 ओके okay. तो आपने लिखी ऐड 35000 एंड माइनस 35000 यहां ओके डन okay. लिखे आपने इतना ओके okay. अब उसके बाद आपसे कहता है यहां पे नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस फाइव लाख एट्टी थाउजेंड यहां पर आप लिख लो फाइव लाख एट्टी थाउजेंड अब प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है इसलिए अकाउंट नहीं पूछे अब चाहो तो आउटर कॉलम में लिख सकते नाइन लाख फोर्टी वन प्लस लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव लाख एटी थाउजेंड माइनस थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड

तो तो साल बाद वापस आपसे ये कहना हैं कि है। उंट विथ पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ रुपीज वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट सिक्योर्ड बाय बाईटेशन ऑफ लैंड तो हमसे जो भी आपका यहाँ पे लोन का अमाउंट आपको ट्राइवल्स में दिया है

तो ये जो आपका है, loot, ये आपका है, और ये वाला कौन सा सिक्योर्ड रहेगा रीजन सिंपल है यहां पे बताया कि सिक्योर्ड है किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड ये इंफॉर्मेशन आपको जो आपने पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो पैसा थे उसके बारे में आपको बताया okay? कि वो सिक्योर्ड अगेंस्ट लें तो आप यहां पे हेडिंग देंगे सिक्योर बर देट हमने जब शेड्यूल थ्री के साथ किए थे जिसमें हमको बाना होता है तो सिक्योर से हम लिख रहे एक और हमने लोन ले रखे दैट इज अनसिक्योर लोन आप यहां पर लिख रहे हो पहले लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पे रेफरेंस लिख लेंगे रीपेबल आफ्टर थ्री इयर्स रीपेबल आफ्टर थ्री इयर्स ओके रीपेबल आफ्टर थ्री इयर्स राइट डाउन द रीपेबल आफ्टर थ्री इयर्स तो वहां पे लिखेंगे रुपीज ट्वेंटी सिक्स लाख थर्टी थाउजेंड टोटल अमाउंट कितना का ट्वेंटी सिक्स लाख थर्टी थाउजेंड माइनस रुपीज वन लाख थर्टी फोर ये इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू अदर करंट करटी फोर थाउजेंड फॉर इंटरेस्ट आपके रेफरेंस के लिख तो आप भी ऐसे लिखो फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू सिक्योर्ड बाय हाइपीकेशन ऑफ लैंड अब यहाँ पे डन तो आप लिखे, okay, लिखे आपने इतना ट्वेंटी फोर लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड लेकिन यह आपका वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड का है अदर करंट लाइब्रिटी का वो हिस्सा तो इसको हम अदर करंट लाइब्रिटी में इसको लिखेंगे वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड को तो यहां पे नोट्स तो हो नंबर फिफ्थ राइट डाउन देर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड ओके वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड ओके आपने इतना वन लाख थर्टी फोर था उसके बाद वो हमसे यहाँ पे कहता है टेन हो गया हमारा ये अब अदर लॉन्ग टर्म लोन के बारे में भी लंबी कहानी क्या हो गया यहाँ पे हमसे अदर लॉन्ग टर्म लोन में कहते कि ट्रायल बैलेंस में हमें कितना आइटम दिया दैट इज ट्वेंटी टू लाख फिफ्टी था उसके बारे में कुछ ज्ञान दिया हुआ कहां पे दिया हुआ नोट आपका एडिशनल पॉइंट नंबर कहावन तो मैं पॉइंट नंबर सेवन में जाता हूं वहां पे इसके बारे में मुझे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है

सात आठ लाइन के स्पेस रखना और यहां पे आपने लिखना आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा यहां पे अदर लॉन्ग टर्म लोन्स ब्रैकेट में लिखो आप अनसिक्योर टोटल अमाउंट कितना ट्रायल बेन्स में दिए ट्वेंटी टू लाख फिफ्टी ओके ट्वेंटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ओके नाउ 22 ,50 था। अब अब ध्यान ध्यान से से मेरी बात तो मैंने कहा आपने लिखे। ओके। okay, तो टोटल लोन यहाँ पे आपको ट्रावल में दिया। अब उसके कुछ बायफर कि आपने किया बैंक से थर्टीन लाख एट्टी थाउजेंड लियो लेकिन इसमें से फोर लाख एट्टी ऐसा है तेरह लाख अस्सी में से चाराख अस्सी हजाराख एंड से मीन अगर एक साल के अंदर ये पे करा तो आपको नहीं लगता कि ये आपका करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग ऐसी कोई चीज आपको पढ़ाया था हमने यस yes, वो लोन करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग वो लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसमें जिसका उस अमाउंट में जो हमको एक साल के अंदर पे करना है ंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और वो शॉर्ट टर्म बोरो का हिस्सा होता है बी केयरफुल तो मैंने यहां पर लिखा यहां पर आप लिखो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ राइट आपने लोन लिएन आपने दी थर्टीन लाख एटी थाउजेंड करेक्ट इसमें से आपको okay, इस से आपको कुछ ऐसा जो रिपेबल विद इन वन ईयर करना रीपेबल विद इन विद इन वन ईयर ओके अगर एक साल के अंदर आपको पे करना है ठीक है अमाउंट में लिखा ही अमाउंट लिख लेंगे जिसकी मे ठीक है आप नीचे लिख देना कोई दिक्कत नहीं अब यहां पर अमाउंट जो आपने एक साल के अंदर पे कर फोर लाख एटी थाउजेंड तो रिपेबल विद इन वन ईयर मतलब आपका क्या लॉन्ग टर्म बॉरिंग आंसर एक साल के अंदर पे करना है ना तो याद है हम लोग ने रेपिड जिसमें बात की थी कि याद है नहीं है रहना चाहिए नहीं है तो कहा था ध्यान रखो कहा गया वो ये रहा तो मैंने बताया था आपका लोन था नाइन लाख का मतलब टेन लाख का मतलब एक लाख हमको एक साल के अंदर पे करते हैं इस करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग का हिस्सा होता है तो वैसे यहां पर फोर लाख एटी थाउजेंड वो आपका शॉर्ट टर्म बोरविंग का हिस्सा है तो यहां पर आप विद इन वन ईयर ओके शॉर्ट टर्म बोरविंग शॉर्ट टर्म बोरविंग का आपका ये हिस्सा है अब आप लिए थे तो टोटल थर्टीन लाख एटी देना है हमको उसका फोर लाख एटी आपका एक साल के अंदर तो आपका शॉर्ट टर्म बोरविंग रिमेनिंग जो है थर्टीन लाख एटी थाउजेंड माइनस फोर लाख एट्टी थाउजेंड आपका जो रिमेनिंग जो दैट इज नाइन लाख ये नाइन लाख आपका लॉन्ग टर्म बोरो ही रहेगा ठीक है ये तो आपको बाद में पे करना लॉन्ग टर्म बोरो रहेगा तो ये आपका कौन सा है शॉर्ट टर्म बोरो ध्यान से ये आपका किस में आएगा लॉन्ग टर्म आप ख्याल रखें ठीक अभी कहानी खत्म नहीं है अभी हिसाब किताब ट्वेंटी थर्टीन का हो उसमें से तो फोर लाख एट्टी शॉर्ट टर्म बॉर हो अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पे एट लाग, एट लाग आपका पे, आपने ये किससे ले रखे आपने एट लाख एट लाख फिफ्टी थाउजेंड आपने किससे ले रखे लोन फ्रॉम डायरेक्टर क्योंकि रिलेटेड पार्टी से लेको भी अपने अलग से बताना तो इन्फॉर्मेशन अपने को देना यहाँ पे अब यहां पे आप लिखेंगे लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स हाउ मच इट इज एट लाख फिफ्टी था ओके तो ये आपका क्या लॉन्ग टर्म बॉरेंस लॉन्ग टर्म बॉरेंस ओके आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग अपने कैसा बताना रहेगा लेकिन कि लोन फ्रॉम डायरेक्टर था लोन फ्रॉम नेक्सस में इस तरीके से अब अभी भी पूरा हिसाब किताब हुआ नहीं है तो आपने जो यहां पे जो बैंक से कोई लिए थे जो कि विद इन वन ईयर था पे करने का वो आपने यहाँ पे लिख लिया शॉर्ट टर्म में बचा हुआ लॉन्ग टर्म में डायरेक्टर से लेता लेकिन अभी भी क्या पूरा बाईस लाख पचास हजार का हिसाब किताब हो गया चलो काउंट करके दे मैंने कहा ट्वेंटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ये रहा ये रहा ट्वेंटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड उसमें से यहां पे ये आप फोर लाख एटी और नाइन लाख लो या डायरेक्टली थर्टीन लाख माइनस थर्टीन लाख एटी करता हूं फिर ये आपका माइनस एट लाख फिफ्टी अभी भी ट्वेंटी थाउजेंड का डिफरेंस आ रहा है ना मैंने क्या किया पे मैंने टोटल ये लाख उसमें से ये जो जो भी आपने हिसाब किताब लिख दी हो जो शॉर्ट टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग जो लोन फ्रॉम डायरेक्टर बचा हुआ क्या अभी भी बीस हजार का डिफरेंस आ रहा है राइट डाउन देयर अदर बैलेंस अदर बैलेंस तो टोटल आपको कितना था ट्वेंटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड उसमें से थर्टीन लाख एट्टी थाउजेंड जो था वो कितना आपका आपने माइनस करे तो और यहां पर थर्टीन लाख और ये भी था ना आपको एट लाख फिफ्टी माइनस एट लाख फिफ्टी थाउजेंड तो यहां पर आपका अमाउंट आ जाता है कितना ट्वेंटी थाउजेंड ये बैलेंस है अभी बैलेंस भी आपका कहाँ जाएगा ये बैलेंस भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग ये बस अपने को बाइफरगेट करके बताना रहेगा कि लोन फ्रॉम निक्सिस बैंक है वो इतना है नाइन लाख लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स इतना है और अदर लोन आपका कितना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग ओके अभी एग्जामिनेशन में कोई ऐसा नहीं बना के आना फिर ये क्यों बनाया आपने फिर? ये रेफरेंस के लिए आपके ओके तो एग्जामिनेशन में क्या करेंगे रफली आपको बना लेना कहीं पे ठीक है ये ये समझाने के लिए मैंने बताया कि आपको ट्वेंटी थाउजेंड मेन तो ये पार्ट था ट्वेंटी थाउजेंड ये मेन पार्ट था आपका ठीक है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है तो ये आपका इसको नहीं तो क्या था बच्चे इतना ही लिखते थे और ये ट्वेंटी थाउजेंड रह जाता फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी हिसाब किताब पूरा बाईस लाख पचास हजार का ही आपको लिखना रहेगा ठीक है थीके? तो आप इसको ध्यान रखना एक पॉइंट को कहीं दिया वन ये ट्वेंटी बैलेंसिंग फिगर है तो गलती कर बैठते थे आप इसको ठीक है डन ओके okay. इतना लिखे आपने ओके चलो जल्दी जल्दी आप लिखेंगे अब आएंगे आप क्वेश्चन पे वापस और ये कहां पे लॉन्ग टर्म बोल रही कहानी नोट नंबर आपका थ्री तो नोट्स कौन नंबर थ्री पे अब आप जाएंगे और वहां पे लिखेंगे अनसिक्योर्ड लोन है अनसिक्योर्ड बैंक लोन बैंक राइट डाउन देर टोटल थर्टीन लाख एट्टी थाउजेंड का तो उसमें फोर लाख एट्टी थाउजेंड हमको करंट ईयर में पे करना है दैट इज विद इन ईयर कहा आ जाएगा शॉर्ट टर्म तो रीपेबल विद इन वन ईयर रीपेबल विद इन वन ईयर नाइन लैख ओके आया माइनस करके जो नाइन लाख आया तो फोर लाख एट्टी लिखना भूलना मत ठीक है फोर लाख एट्टी अभी लिख दो नहीं तो गलती हो जाएंगी ठीक है भूलना मत शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखो लोन फ्रॉम राइट ऑन लोन फ्रॉम इज बैंक विद इन वन ईयर ब्रैकेट में लिख लो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोग टर्म बोरोना लिखिया फोर लाख एटी वापस था लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में वापस आएंगे और वहां पर आप लिखेंगे उसके बाद यहां पर आपने डायरेक्ट से लिया लोन फ्रॉम डायरेक्ट इसका बाईस लाख पचास हजार जिसमें से नाइन लाख आपका नेक्सिस बैंक था आपने फोर लाख एट्टी आपने शॉर्ट टर्म बॉरिंग में ट्रांसफर करे और एट लाख फिफ्टी आपका डायरेक्ट से लिया हुआ था जो बचा ट्वेंटी थाउजेंड वो यहां पर आ गया okay. आपने इतना ओके okay. अब आते नेक्स्ट अभी अब कुछ भी एकदम हंसते खेलते अपना खत्म हो जाएगा क्वेश्चन अब देखो आपसे क्या कह रहा है यहां पे यहां पे आगे अपने से दैट इज शॉर्ट टर्म लैख सिक्सटी इसको आप लिख लो शॉर्ट टर्म बोरिंग को ठीक है इसके बारे में अच्छा पॉइंट नंबर नाइन में कह ठीक है पॉइंट नंबर नाइन में क्या कह रहा है भाई शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्लूड आपको शॉर्ट टर्म बोरोंग नया बैंक से आपने एक लाख सोलह हजार कर ली फोर्टी एट डायरेक्टर भैया से लिए सिक्योर ठीक है डायरेक्टर भैया से आपने कितना लिए? तो जो बचा हुआ रहेगा देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा टोटल आएंगे आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग पे फोर लैख सिक्सटी ना फोर लैख सिक्सटी दे रखा है तो माइनस करके जो भी बचेगा अदर करके लिख देंगे तो चलो जल्दी जल्दी लिखेंगे आप शॉर्ट टर्म बोरिंग में वहां पर लिखो लोन फ्रॉम नया बैंक सिक्योर

तो बच्चा आ जाए माइनस करो ना फोर लाख एट्टी अरे बाबा फोर लाख एट्टी वो लॉन्ग टर्म बोरिंग करंट मैच्योरिटी थी मीन टू से ये दो, आपको दो, अलग है लॉन्ग टर्म बोरिंग जो एक साल में जो मैचर वहां से आई है फोर लाख सिक्सटी माइनस वन लाख सिक्स माइनस फोर्टी एट थाउजेंड लाख नाइन सिक्स थाउजेंड यहाँ पे देखो टू लाख नाइन सिक्स

ये क्या टॉर्चर है हमारे ऊपर ये तो हमने पढ़े ही नहीं अभी पढ़ाऊंगा आप यहाँ पे लिखो लिखो लूस टूस। अरे लिखो लूस टूस लिखो। उसको दो पार्ट में अपने को यहां पे। अगर पीपी की डेफिनेशन फुलफिल कर लेता तो ये में पढ़ना है बेसिकली पीपी के डेफिनेशन फुलफिल कर लेता है तो इसको एज ए पीपी रिकॉर्ड करा जाता है लूज टूल्स को और अदरवाइज वो डेफिनेशन फुलफिल नहीं करता तो फिर वो इन्वेंट्री का हिस्सा हो जाता है तो अभी आप रेफरेंस के लिए सिर्फ इतना लिख लो जब एस टेन पढ़ेंगे तो वहां पे बात बहुत डिटेल में होने पर अभी आपने क्या कहे कि लूज लूज टूज होते क्या है वो थोड़े बहुत पार्ट होते ना जो आपको uh, मदद करते अब देखो इसको ना फिक्स इसलिए भी नहीं कह सकते इसकी ना जनरली फिक्स एसेट क्यों नहीं कह रहे इसको क्योंकि फिक्स एसेट की क्राइटेरिया ये होता है पीपी मतलब -पी फिक्स एसेट

एक साल से लाइफ ज्यादा नहीं अगर ज़्यादा है तो फिर कोई दिक्कत की बात, की तो तो बात फुलफिल नहीं करता तो इन्वेंट्री का हिस्सा माना जाता है ठीक है अब लूसूस होते छोटी मोटी चीजें जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप यूज कर लेकिन उसकी लाइफ अगर ज्यादा नहीं रही तो फिर अगर लाइफ ज्यादा नहीं रही उसकी एक साल से तो पीपी का हिस्सा नहीं हो पीपी की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता और लूज टूल्स किट भी आती है फॉर एग्जाम्पल आपने जब यहाँ पे आ, कोई आप गाड़ी जब खरीदते तो आपके जो भी होंगी गाड़ी आपने देखी किट आती है ना? पेंची छोटी सी उसमें okay. तो वो इन्वेंट्री का हिस्सा होता है अब क्या हुआ जो इन्वेंट्री का जो हिस्सा है आपका तो यहाँ पे अब उसने हमसे कहा कि जो आपके फिनिश गुड्स है उसमें पांच लाख रुपए का वो इंक्लूड है उसमें एंड विच डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी मतलब पीपी का हिस्सा नहीं है डू नॉट मीट इन्वेंट्री का हिस्सा मानने के लिए अब इसके बारे में में भी बात बस अभी ख्याल रखना आपको आपसे कहा अगर का हिस्सा होता है अदरवाइज आपका इन्वेंट्री का हिस्सा होता है लेकिन अलग से बताना होता है तो वो फिनिश गुड्स में इंक्लूडेड है फोर्टी फाइव लैके ऐसे बस इन्वेंट्री में जाएंगे हम लोग नोट तो अकाउंट नंबर एट में आप चले जाओ और वहां पर आप लिखो फिनिश गुड्स अब क्वेश्चन में दे रखा है फिनिश गुड्स हमको ट्रायल में फोर्टी फाइव लाख से लेकिन पांच लाख लूज टूज तो अमाउंट कितना आ गया यहां पे फोर्टी लाख फिनिश गुड्स बताओ और लूज टूज अलग से बताना बस और कुछ नहीं अच्छा अच्छा वो हमसे कह देता अगर कि डेफिनेशन पीपी की फुलफिल करा पता है मैं क्या करता फिनिश गुड से माइनस करता और पीपी -पी में यहां पे लूज टूथ बता यहां पर यहां पर ठीक है लेकिन अपने को क्या हुआ उसने बोला कि डेफिनेशन फुलफिल पीपी की नहीं करा तो पीपी -पी का हिस्सा नहीं वो इन्वेंट्री का हिस्सा आपका रहेगा बस अलग से बताना रहेगा लूज टूज उसके बाद क्वेश्चन उसने अपने से कहा दैट इज रॉ मटेरियल दैट इज थर्टीन लाख तो आपने यहां पे लिखी थर्टीन लाख रॉ मटेरियल

ियड एक्सडी सिक्स मंथ फोर लाख एटी सिक्स थाउजेंडर टोटल हमको ट्रायलमेंट में ड्यू फॉर मोर देन सिक्स प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन या होमवर्क भी मिलेगा एक ही होमवर्क दूंगा आज आपको और इसकी भी प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है प्रैक्टिस तो बहुत करना है अपने और ये आएगा आपका फोर्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है डन ओके इतना अब कुछ ज्यादा है नहीं उसके बाद देखो क्या कह रहे करंट एसेट में शॉर्ट टर्म एडवांसिंग थ्री सेवेंटी फाइव बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म लोन है नेक्स्ट आइटम आपसे कह रहे हैं ट्रेड पेबल यह आपकी करंट लाइब्रेटी है प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ठीक है एट लाख थर्टीन थाउजेंड आपका आपका क्या है भाई ट्रेड पेबल तो बैलेंस शीट लिखो एट लाख

सॉरी थ्री लाख एट्टी क्या था कुछ गड़बड़ हुई हाँ सही है सही अनपेड डिविडेंड सेवेंटी वो आपका अदर करंट लाइब्रेटी राइट अनपेड डिविडेंड अनपेड डिविडेंड सेवेंटी थाउजेंड ओके उसके कैश इन हैंड इज सेवेंटी तो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है नो सो अकाउंट नंबर टेन कैश इन हैंड सेवेंटी थाउजेंड ओके उसके बाद कैश एट बैंक फोर लैक फोर्टी में नोट नंबर फोर में कहा कि बैलेंस विथ बैंक फिफ्टी सिक्स जो है नया बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक शेड्यूल बैंक है में कितना वो बताना होता है तो यहां पे देखें बैलेंस विथ बैंक विथ शेड्यूल बैंक विथ अदर बैंक तो जो शेड्यूल बैंक नहीं है तो उसका नाम दे रखा है नया बैंक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टोटल अमाउंट आपको बैंक के दिए फोर लाख फोर्टीन तो अपन शेड्यूल बैंक में कितना निकाल देंगे ना थ्री लाख फिफ्टी एट थाउजेंड ये थ्री लाख फिफ्टी एट आया कैसे दैट थाउजेंड माइनस फिफ्टी सिक्स के सारे आइटम हम लोग ने यहाँ पे ले लिए अब देखो उसके बाद हमसे क्या रहे बेटा हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन पहला हो गया सेकंड हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया सिक्स सेवन एट पे मैं बात करता हूँ नाइन टेन इलेवन सब हो गया सिवा एट क्यों एट मैं बाद में बात करता हूं तो, क्या है आप सारे नोट्स पे कौन की टोटल करो एट क्या मैं आपसे बात करता हूं ठीक है पॉइंट नंबर एट पहले नोट्स पे कौन एक से लेकर दस तक टोटल करो बैलेंस शीट में लिखो बैलेंस शीट टैली करो बोले हो जाएंगे तो एक पॉइंट रह गया ना अपना उसके बारे में बात करते आप इतना पहले करो okay. इतना आप लिखेंगे लाख सेवेंटी नाइन लाख एटी फाइव थाउजेंड थर्टी लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड थर्टी लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड जल्दी जल्दी करो मेरे से पहले आपका होना चाहिए 42, 66, 9, forty two, like sixty six thousand nine, like forty thousand. Two lakh four thousand, then three lakh eighty, three lakh eighty. PP. That is ninety two lakhs. Yes, 92 lakhs. भी साथ में कर लोटी नहीं कुछ गलत फोर्टी फाइव रॉ मटेरियल कुछ गड़बड़ जल्दी में मेरे। एक सेकेंड फिफ्टी ट्वेंटी कैसे आ गई फोर्टी एट 92 लाख पीपी यहां पे देखेंगे इन्वेंटरी हाउ डाउन 58 लाख ओके okay, 58 लाख इज इन्वेंटरी देन उसके बाद आपका रेड सिल्क 4 लाख 86 प्लस 12 लाख 60 वो था 17 लाख ,00, 50,000

वन करोड़ सेवेंटी सिक्स लाख नाइन थाउजेंड देखो टैली हो रही है ओके okay, डन अब ध्यान से एक चीज अपने को यहां पे अभी देखना है ठीक है ध्यान से बात मेरी बात सुनिए ओके okay, देखो क्या कह रहा हूं अब यहाँ पे आपको इतना बैलेंस शीट टैली गई हमारी स्पीड बढ़ाना है ठीक ठीक है 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 आपने मिनट्स हो गए अभी चल ही रहा क्वेश्चन अपना पहला ही क्वेश्चन है आज का बस अब देखो आपसे क्या कह रहे पॉइंट नंबर एट में बिल्स ऑफ जून ट्वेंटी अब इसका अच्छे से मतलब आपने सवाल

आपने इस बिल को एक्सेप्ट कर और बिल आपने मेरे को दे दी वट कि मैच्योरिटी डेट पे मैं बोलूंगा तो लेकिन ऑप्शन रहते कि 15 जून कि मैं वेट नहीं करूँ पहले ही बैंक के पास जो मैं बैंक को बोलू देखो देखो मेरे को मिस्टर, आप, जो आप मिस्टर बी से मेरे को पैसा लेना है पंद्रह जून को मगर मैं जब तक रुक नहीं सकता तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप रख लो और मेरे को पैसा दे दो

तो 15 जून को आपके पास कौन आएगा बैंक आपके पास फिफ्टीन ऑफ जून को आएगा और आपको उसको देना रहेगा तो मैंने कहा पंद्रह जून को बैंक आपके पास है और आप फिर बैंक को पैसा दोगे मेरे तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है मैंने तो बैंक से पहले पैसा ले चुका हूं लेकिन क्या चीज होगी अगर आपने बैंक को पैसा नहीं दी मैंने क्या कहा अगर आपने बैंक को पैसा नहीं दिया तो मुझे देना पड़ेगा इट्स अ कंटीजियंट लाइबिलिटी ओके तो अगर आपने नहीं दिए तो मुझे देना पड़ जाएगा

डिस्क्लोज करना होता है तो आप यहां पे बैलेंस शीट के नीचे देखो एक नोट नोट राइट डाउन देयर इज अंटिजेंट लाइबिलिटी राइट ऑन देर इज अंटिजेंट लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू रुपीज वन लाख सिक्सटी थाउजेंड ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर ओके दैट्स इसको नोट्स को हमें डिस्कलोज करना होता है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो टू था लेंदी क्वेश्चन था आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना रहेगा लेकिन एग्जामिनेशन बस इससे बाहरी क्वेश्चन बैलेंस शीट से पूछा तो यही सबसे आई थी लेंदी क्वेश्चन बिल देखता है फोर्टीन मार्क्स के लिए मुझको नहीं लगता है कि आपसे फोर्टीन मार्क्स के लिए इतना जो हो सकता है कुछ पॉइंट्स कम कर दे इलेवन पॉइंट हो सकता है सात पॉइंट कर दे छह पॉइंट कर दे ठीक है अब आज मैं आपको होमवर्क दूंगा मैं अपन आखिरी में बात करते लेकिन अभी हमको इस चैप्टर पढ़ना के बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करें उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको भी सिखाऊंगा

मां की आदत है अपने को क्या हम लोग ट्रेडिंग भी बनाते थे मतलब भूल जाओ ट्रेडिंग रेडिंग। वो ट्रेडिंग चलता होगा वहां पे छोटे मोटे बिजनेसमैन यहाँ पर ये सब नहीं चलता अच्छा तो वहां पर ऐसा अलग अलग बनाते थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वो छोटे मोटे प्रोप्राइटरशिप प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप हम करते थे कम नहीं बोलती ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे एक ही बनाना हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो शेड्यूल थ्री हमको क्या इसके बारे में बताता है बच्चे तो शेड्यूल थ्री के दो पार्ट होते पार्ट वन किसके बारे में बता रहा पार्ट वन आपको बताता है लाइव वाले बच्चे बताएंगे सबको समझ में इफ एनी डाउट यू पार्ट पार्ट हमसे हमसे क्या बताता हम बताता है है पे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जो कि हमने कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उस पर हमने क्वेश्चन भी करे अभी एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करे हमने उस अब हम लोग आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए

साथ में ही लिखो ना ये इनकम को साथ में ही लिखो तो मैंने वो इनकम को मैं यहां पे लिखूंगा ओके okay, अब उससे दो तरह की इनकम होती है एक जिस चीज में आप बिजनेस करते हो नेचर ऑफ बिजनेस अपन डिटेल में इसको तो डिस्कस जिस चीज में आप बिजनेस करते हो जो कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस है जो कि आपका क्या है नेचर ऑफ बिजनेस उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब एक एक करके बात करते कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब यहां पे होता क्या एक एक करके मैं आपसे डिस्कस हुआ जैसे नोट नंबर सिक्सटीन

मगर ये भी, provided, भी तो, तो हो सकता है आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर वाले आप सर्विसेज पे प्रोवाइड करोगे ठीक है तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो हो सकता है वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो भी है तो आपको कंसल्टेंसी फॉर्म है तो उसके लिए सर्विसेज वो दे रहा है अपनी कोई गुड्स बेच रहा है तो सेल ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है सेल ऑफ सर्विस अब मैंने आपसे कहा इंटरेस्ट इनकम किधर आना चाहिए मेरे को इंटरेस्ट मिला बैंक में, में मेरा पैसा जमा है और मुझको इंटरेस्ट मिला कहा आना चाहिए इंटरेस्ट इनकम तो बैंक में मेरा पैसा जमा है और मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक में मैंने कहा पैसा जमा उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो ये कहां आना चाहिए अदर इनकम में आना चाहिए तो अदर इनकम में ही आएंगे वो इंटरेस्ट इनकम हमारी लेकिन अगर वो फाइनेंस कंपनी इन केस ऑफ अ फाइनेंस कंपनी तो वो इंटरेस्ट तो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हुआ ना क्यों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही वो है मैं रिपीट कर रहा हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी बैंक मैंने कहा बैंक का तो नेचर ऑफ बिजनेस ही है ना वो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका है, हमारे नहीं नहीं है। हमको को मिला तो हम तो अदर इनकम लिखेंगे हमारा काम नहीं है हमारा बैंक में पैसा जमा था तो क्या बैंक उसने यहाँ पे, लोन, वो आपने यहाँ पे लोन किसी को देता है तो इंटरेस्ट यहाँ पे रिकवर कर जिसने किसी को लोन दिया बैंक ने उसको इंटरेस्ट रिकवर किया उसका ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस ही है नेचर ऑफ बिजनेस उसका ठीक है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होगा बाकी अब अदर इनकम तो मैंने कहा यहां पे क्या था ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा कुछ अपने को अलग अलग बताना नहीं 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 ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऐसा अलग अलग नहीं एक ही बनाना उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बड़ी अच्छी बात है तो कोई झंझट ही नहीं डायरेक्ट एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट एक्सपीरियस जो आप फाउंडेशन ग्रेजुएशन लेवल पर सोचते थे ना

बिजनेस इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बैंक में सपोज आपका पैसा जमा उस पर इंटरेस्ट मिला तो क्या मैं कहूंगा ये तो मेरा काम ही है बैंक में पैसा जमा रखना ये, ये मेरा नेचर ऑफ बिजनेस अरे नहीं है किसी बात करे वो आपका नहीं आपने को करे। कोई इन्वेस्टमेंट डिबेंचर खरीदे कोई कंपनी के उस डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो क्या वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है आंसर इज नो कोई आपने डिबेंचर परचेज करके रखे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो क्या आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो नहीं तो आपको इंटरेस्ट मिला इनकम जरूर है तो दैट विल पार्ट ऑफ अदर इनकम अब आपने कोई कंपनी के शेयर परचेस और टेस्ला कंपनी के शेयर शेयर परचेस परचेस टेस्ला कंपनी के और हमारे हमको उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है अब डिविडेंड हमको उसके ऊपर वो भी हमारी इनकम है क्या हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है? कि इन्वेस्टमेंट करना डिविडेंड लेना नहीं तो डिविडेंड इनकम हमारी अदर इनकम का हिस्सा है अब यह आता है ट्रांसफर फीस अब ट्रांसफर फीस का मतलब क्या होता है क्वेश्चन अभी सॉल्व करके वहां पर भी एक आएगा ट्रांसफर फीस अभी अलग अलग इसका इंटरप्रिटेशन होता है तो दो चीज में होता है एक होता है कि आपने कोई पीपी मैंने ट्रांसफर करा प्रॉपर्टी प्लान एंडमेंट थोड़ा वॉट इज ट्रांसफर फीस मैं आपको बता रहा हूं। इसके दो मीनिंग एक आपको पहला बता कि आपने मैंने मैंने पीपी था मैं। अब मैंने का ये मेरी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वैसे तो हम इसको यूज करने के लिए लेते हैं बिजनेस में लेकिन इस पीपी को मैंने सपोज पांच साल बाद बहुत खराब होगी मैंने कहा बेचो इसको तो आपने इसको बेचे अब हुआ कि जब आपने पीपी को बेचे तो मेरी पीपी जो कि सपोज दस लाख की थी मैंने बेचा बारह लाख रुपए में तो ये दस लाख रुपए की चीज थी मैंने उसको बेचा बारह लाख रुपए कोई डाउट नहीं इसमें लाख रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बुक भैया कितनी थी दस लाख मैंने बेचा उसको कितने में सेल वाली कितनी थी बारह लाख तो दस की चीज मैंने बारह में बेचा दस लाख की चीज मैंने कितने में बेचा बारह लाख में बेचा तो जब मैं कह रहा हूं कि टेन लाख की चीज मैंने ट्वेल्व लाख में बेचा तो दो लाख रुपए का मेरे को यहां तो नो डाउट के प्रॉफिट मेरा है, वो मेरा वो एक अलग चीज है कि प्रॉफिट मेरा पीएल में चले जाए लेकिन ट्रांसफर फीस का मतलब ये होता है कि मैंने कहा ये जब फॉर्मेलिटी ना ओनरशिप ट्रांसफर करना कि मैं हूं मिस्टर ए आप हूं मिस्टर बी आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर करना मैंने कहा बहुत खर्चे आ रहे बेच रहा बात अलग है दस की चीज बारह में बेचा दो का प्रॉफिट है वो अलग है वो प्रॉफिट को हटा दो तो उसकी बात नहीं कर लेकिन मैंने कहा उसके अलावा बहुत खर्चे आ रहे सर क्या खर्चे आ रहे मैंने कहा रजिस्ट्री कराओ जाके डॉक्यूमेंटेशन करो लॉयर के पैसे तो मैंने कहा बहुत खर्चे आ रहे तो मैंने कहा थोड़े से पैसे दो मेरे को अलग से तो इसकी बात नहीं नहीं करो मैंने कहा ट्रांसफर में लॉयर के पास जाना मेरे को है। वो बहुत कर रहा है ये पैसे दो वो पैसे तो मैंने कहा मेरा बहुत खर्चा हो रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करो सब करो ये दो लाख दस की चीज बारह में बेचा वो अलग है उसका अलग मैंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लिख दूंगा मैं उसको फिग से उसके अलावा मैंने कहा बहुत खर्चा हो रहा है क्या हुआ अच्छा तो है ठीक है लॉयर साहब है हमारे ये लॉयर साहब है हमारे हंसते खेलते खे खे तो बहुत परेशान कर मैंने कहा यार देखो मेरे भी बहुत खर्चे हो रहे तो ट्रांसफर करने पर मेरे बहुत खर्चे हो रहे हो तो प्रॉफिट प्रॉफिट छोड़ो हुआ एक अलग चीज उसकी अकाउंटिंग में अलग से कर लो मैंने कहा मेरे को यहाँ पे दिक्कत यही हो रही है मैंने कहा दिक्कत मेरे को ये हो रही कि जो भी मेरे को खर्चे दूसरे हो रहे मेरे को यहाँ पे खर्च होते उसके लिए पैसा तो मैं फीस चार्ज करूंगा तुमको उसको कहते ट्रांसफर फीस तो मैंने कहा तो यहाँ पे ट्रांसफर मैं कर रहा हूँ ना तो मैंने कहा ट्रांसफर के ऊपर मैं तुम्हें कुछ फीस चार्ज करूंगा बोले क्यों कर रहे हो ऐसा बोले इसलिए करो ट्रांसफर मैं आपको ट्रांसफर के ऊपर क्योंकि मेरे मेरे खर्चे हो जा रहे हैं मैंने कहा मेरे खर्चे हो जा रहे तो मैंने कहा मेरे खर्चे हो जा रहे तो भाई मेरे को पैसा रिकवर करो तो बोले वो तो आप बेच रहे हो दस की चीज बारह वो एक मैंने कहा अलग चीज है वो एक अलग है फिक्स रसेट की चीज थी तो फिक्स एसेट बेचा वो उसकी कीमत थी दस की बारह में बेचो वो एक फिक्स एसेट की बात थी लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर करो डॉक्यूमेंटेशन करो बहुत खर्चे उस पर तो मैंने कहा मैं थोड़ा तो फीस चार्ज करो ट्रांसफर फीस तो मेरी अदर इनकम हो जाएगी ठीक है तो इसमें एडजस्ट नहीं करना जो आपने फिक्स ऐसे दस की चीज बारह में बेचो उसमें एडजस्ट नहीं करना बेटा तो मैंने कहा ट्रांसफर फीस मैं अलग से लूंगा क्योंकि मेरे कुछ और खर्चे हो तो ट्रांसफर फीस जो खर्चे हो मेरे एक्सपेंस रहेंगे लेकिन ट्रांसफर फीस जो मेरे को आपसे मिली कोई और भी खर्चे हो सकते हो ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चे अब यहाँ पे ट्रांसफर फीस जो मुझे यहां पर मिली जो मैंने आपसे लिया वो तो आप मेरी इनकम होगी तो रिलेटेड एक्सपेंस मेरे में एक्सप्रेंस एन एक्सपेंस पता है ये मैंने आपसे रिकवर कर तो ट्रांसफर फीस आपकी अदर इनकम होती है तो जब पीपी ट्रांसफर करते हो जब भी होते कभी आप कोई शेयर्स सब भी बेचते हो तो ट्रांसफर करते हो तो शेयर्स बेचो उसका प्रॉफिट और लॉस वो आपको एक अलग चीज है लेकिन ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली यहां पे कुछ हमारे एक्सपेंसेस हो रहे तो उसके लिए अपन कुछ रिकवर करते हैं फीस यहाँ पे तो उसको हम ट्रांसफर फीस करें तो हमारी अदर इनकम है

इनकम में नेगेटिव फिगर बता दे इनकम में क्या बता दूंगे नेगेटिव फिगर उसको बता दो बात एक ही है बताते इनकम में नेगेटिव फिगर बताते लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसिस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम वो कहते और अगर आपकी यहाँ पे इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है अदर इनकम आपकी कोई तो उसको आप यहाँ पर डिस्क्लोज इंटरेस्ट हो गया डिविडेंड हो गया ट्रांसफर फीस हो गया प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब और बहुत सी हो सकती है ना प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स रेट हो सकती है तो वो आप अदर इनकम में बता दो लेकिन वो कहता है नेट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट बेचा मेरे को प्रॉफिट हुआ दस हजार रुपए का लेकिन क्या हुआ मैंने कोई एजेंट के थ्रू बेचा एजेंट बोले ना 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 मेरे को नहीं पता कैसे बेचा तो एजेंट बोलते बोलता है एग्जाम्पल कहता हूँ कि रेंटल इनकम अच्छा रेंटल इनकम तो रेंटल इनकम तो में आपके अदर इनका आपकी ऑफिस में आपको कोई जगह भी आपने रेंट पे दे दी अब रेंट पे मैंने दे दिया मैंने कहा दस रेंट बहुत कम ले दिया मैंने दस हजार मैंने यहाँ पे दस हजार रुपये जब मैंने आपको यहाँ पे रेंटल रेंट यहाँ पे लिखा टेन थाउजेंड रुपीस हुई क्या चीज यहाँ पे बेटे की दस हजार मैंने रेंटल आप लेते रहो यहाँ पे लेकिन उसके बाद हमको कमीशन भी आपको देना रहेगा तो उसने बोला कमीशन दो हजार तो मेरे को वो इनकम कमाने में कुछ खर्च आ गया तो एक्चुअल में इनकम मेरे को आठ हजार की एक्चुअल इनकम आठ हजार की दस मेरी रेंटल इनकम है एजेंट आ गया बीच में दो हजार रूपए उसने मांग लिया मेरे बोले मैंने आपको टेन ला के दिया दो पैसे मेरे को तो मेरा कमीशन के मेरा एक्सपेंस हो गया तो रेंटल इनकम मेरी अदर इनकम लेकिन इनकम कमाने के लिए कुछ खर्च हो गया तो आप नेट ऑफ एक्सपेंसिस करके अपने को बताएंगे तो आप कही आगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये अदर इनकम तो क्या हमने इसको बाइफरगेट किया कि बेटा अलग अलग में अपने बाइफरगेट करें आई मीट टू ऑपरेशन से कितना आई आई ट्रेडिंग फील्ड में अलग अलग बायफरगेट करे आंसर ले आप पीएनएल ही बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बता है, और आपने यहाँ पर बता मैं आपको ब्रेक दे दी तो बहुत हैवी हो जाएगा क्वेश्चन बहुत लेंदी था अभी मैं आपको ब्रेक देता तो, हूं और यहां पे आपकी टोटल इनकम आ गई और एक्सपेंसिस के बारे में बच्चे नॉवेलिटी का ब्रेक फॉर टेन मिनट्स और उसके बाद फिर हम एक्सपेंसिस के बारे में पूरी चीज डिस्कस करें पीएल का रिमेनिंग पार्ट है डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद और फिर एक क्वेश्चन भी देखेंगे कुछ छोटा क्वेश्चनों को कर लेंगे ठीक we'll okay, ले है विल टेक ए ब्रेक फॉर टेन मिनट्स ठीक है दस मिनट का ब्रेक ब्रेक लेते बढ़िया चाय वाय पी लो फ्रेश हो जाओ और फिर वापस आ जाओ ब्रेक फॉर टेन मिनट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमने ब्रेक के पहले बात की थी कि हम लोग अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को किस तरीके से डिस्कलोज करना है कैसे प्रेजेंट करना तो हम लोग इसमें क्या करते शेड्यूल थ्री के हिसाब से जब हम बनाते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या चीज होती है हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको बताना होता है और यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम बताएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जो बारे नेचर ऑफ बिजनेस अदर इनकम उसके अलावा जो भी इनकम है वो हमको अदर इनकम में लेना रहेगा तो, आगे आगे तो थे थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, तो बनाते, बनाते वहां पर एक्सपेंसिस अब क्या हमको ऐसा ही यहां पे कुछ करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या यहां पर भी अलग अलग बनाएसर एक ही पी एन एल अकाउंट

लेकिन आपने ख्याल रखना कि आपको यहां पे हेडिंग दे रखी कितनी टोटल सात कितनी तो एग्जामिनेशन में टोटल सात एज इज कॉपी पेस्ट करके आना है आपको सेम जो आपको स्क्रीन पे फॉर्मेट दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का वैसे ही सारे क्वेश्चन में हम लोग भी फॉर्मेट बनाएंगे और ऐसे ही आप लोगों को ऐसा ही फॉर्मेट सारे क्वेश्चन में बनाना है हम लोगों को और आप लोगों को यहां पे सात एक्सपेंसेस के आइटम दिए वो सातों के साथ आपको ऐसा ही लिखना रहेगा हर क्वेश्चन में जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो पहला आपको उसने कर, cost of, मैं पहले आपको सातों के सात आइटम एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद फिर एज इट इज सात आइटम आपको लिखना रहेगा जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ओके तो पहला कहता है कॉस्ट ऑफ मटल कंज्यूम मैं आपको यहां पे इसके बारे में जो दिया हुआ है नोट्स तो कौन एटीन से लेकर ट्वेंटी टू वहीं पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं अब आपको ध्यान से मेरी बात सुनना रहेगा ये नेट ऑफ एक्सपेंस को कहीं और एडजस्ट कर ले जगह नहीं क्योंकि फिर मुझे लिखना भी है यहाँ तो okay, okay. अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए ियल कंस्यूम सबसे पहली बात आपको पहले यह समझना होगा कि कोई एंटिटी है उसके क्लोजिंग स्टॉक कितने तरीके के हो सकते में बताया था मैंने आपको ये दो कंपनी हो सकती है मैन्युफेक्चरिंग कंपनी और नॉन मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी तो मैन्युफेक्चरिंग कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक कौन हो सकता है रॉ मटेरियल

तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड स्टॉक एंट्रेड इसके अलावा कुछ और फॉर एक्साम्पल लूज तो अदर में आ जाता है अब मैंने कहा यहाँ पे कि ये स्टॉक मेनली हम चार के बारे में बात करें रॉ मटेरियल डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड्स और आपका एक यहाँ पे स्टॉक ओके okay, अब इसको अच्छे से समझना तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं रहे सीधा पी एन एल अकाउंट बना रहे और कोई टी फॉर्म में नहीं बना रहे अब यहाँ पे टी मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखते थे क्रेडिट में आप इनकम लिखते थे आप यहां पे क्या करते पहले सारा रेवेन्यू लिखते हो फिर नीचे सारे के सारे के एक्सपेंसेस लिख देते रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी रहे वो आ जाएगा अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि यहाँ पर कोई आप ये भी नहीं लिखते कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग से नहीं लिखना होता जो हमको आदत रहती है मैंने कहा एक ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे बनाता तो, हूं ठीक है अब ध्यान से आपने भी समझे मैं कहता हूं मैंने कहा कि ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को इस तरीके से आदत रहती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की अभी मेनली मैं स्टॉक के बारे में अपने डिस्कस करें ठीक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप किस तरह लिखते थे ये सपोज है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है मैंने कहा ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बना ठीक है आपने कभी ना कभी ग्रेजुएशन फाउंडेशन लेवल पे बनाया आपने मैंने कहा यहां पर मैं लिख देता था ओपनिंग स्टॉक अग्री सर ओपनिंग स्टॉक हम यहां पर लिख दे देते अब ओपनिंग स्टॉक अलग अलग तरह के हो सकते हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक किसका आपका हो सकता है ओपनिंग स्टॉक आपका किसका रॉ मटेरियल का डब्ल्यू आईपी का फिनिश गुड्स का, का ये स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना बनाए लाते और उसको ज्यादा कीमत पे बेच देते तो मेरा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है डब्ल्यू आईपी वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है फिनिश गुड्स का हो सकता है या स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं जो बनाया बनाया गुड्स आपने लेकर उसके ज्यादा कीमत पे बेच दी उसी तरह मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है इस तरह बाय क्लोजिंग स्टॉक अब क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा हो सकता है कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है डब्ल्यू आई पी का क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है और स्टॉक इन

बच गया अब ध्यान से अपने इस चीज को समझना तो मेरे पास वो हमसे कहता है कि ये जो आपकी तीन चीज है WIP का ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग स्टॉक और इन तीनों का क्लोजिंग स्टॉक क्या हम ओपनिंग और क्लोजिंग्स को अलग-अलग बता दें आंसर इसमें वो हमको शेड्यूल 3 कहता है इन दोनों का आप सीधा-सीधा डिफरेंस लिख दो इन दोनों का क्या करो सीधा-सीधा डिफरेंस लिख दो और उससे कहते हैं चेंज इन इन्वेंटरी

सपोज मेरा ओपनिंग स्टॉक मैं कहता हूं कि इस तीनों का मिला के टेन थाउजेंड आई पी फिनिश गुड्स और स्टॉक मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक है डेबिट मैंने दस हजार से किया क्रेडिट मैंने आठ हजार से किया तो आपको नेट कितना नजर आता है नेट कितना वो तो नेट तो मेरा टेन माइनस टू करू तो नेट तो मेरा टू थाउजेंडनस टू करो सॉरी टेन माइनस एट करू तो नेट अमाउंट तो दो हजार है है। तो वो हमसे कहता है कि आप एक्सपेंसेस में जाओ इनकम स्टेट में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए और वहां पर हम लोगों ने पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं को यहां पे कहता है इस पॉइंट पे मैं आऊंगा अभी ऊपर के लेकिन यहां मुझसे कहता है कि चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स डब्ल्यू आईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड दैट इज नथिंग बट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वो जो भी आया इसको अच्छे से हम समझते मैंने कहा सपोज ओपनिंग स्टॉक तीनों का मिला के तो तो लिख दो अभी समझने वाली बात है ये ऐसा मैंने लिखा अब और इसको डीप में सोचते ये क्या लिख रहे बच्चों एक्सपेंस की बात करें किसके बारे में बात करें एक्सपेंस की बात करें आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये ओपनिंग स्टॉक को आप क्या करते थे आप डेबिट करते थे और ये क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते थे क्रेडिट करते थे अग्री तो ट्रेडिंग अकाउंट को मैं यहाँ करता था और ये ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करता था तो मेरा डेबिट अगर दस हजार से हुआ है, और क्रेडिट अगर आठ हजार से हुआ तो क्या नेट डेबिट मेरा दो हजार से हुआ वही बात हुई ना मैंने कहा कि डेबिट मैंने दस से किया डेबिट मैंने कितने से किया दस से मैंने डेबिट किया और क्रेडिट मैंने कितने से किया आठ हजार से तो मैं कहता हूं कि डेबिट मेरा दस हजार से हुआ और क्रेडिट मेरा आठ हजार से हुआ तो नेट मैं कह सकता हूं कि डेबिट दो हजार से हुआ इफेक्ट हुआ दो yes. तो हजार आपने यहां तो पे लिख दिए ये कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है क्यों क्योंकि डेबिट आपका ज्यादा है दस और क्रेडिट आपका कम है आठ तो डिफरेंस जो है इज डेबिट बैलेंस तो आपको नहीं लगता कि आप ये एक्सपेंसेस में लिख रहे हो एक्सपेंस की डेबिट बैलेंस ही होते बराबर और ये डेबिट बैलेंस है आपके एक्सपेंस 2000 लेकिन क्या कभी ये हो सकता है कि नेगेटिव फिगर यस तो मैं कहता सपोज यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन चेंज करता हूं मैंने कहा ओपनिंग था मेरा यहाँ पे 10000 और क्लोजिंग ये मेरा 13 इट में हैपन हाँ ना कि ओपनिंग स्टॉक 10000 था और क्लोजिंग स्टॉक है 13 उस केस में तो नेगेटिव फिगर आएगी यस तो मैंने यहां पे लिख देंगे ना नेगेटिव तो कभी कोई बच्चा कहता है सर नेगेटिव लिखे मतलब क्या? आप खुद सोचो यहां पे कौन सा आपको सोचना पड़ेगा अकाउंटिंग में आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं कि आप जितना सोचोगे एक अगर चीज हो, हो सकती है कि आपको बोले करना है तो आप कर लोगे लेकिन अकाउंटिंग में आपका अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं बढ़ेगी ये भी मैं आपको चीज बता रहा हूं कभी कभी ऐसा होगा आपको लगेगा कि सोचना पड़ता है और सोचने में कभी कभी हो सकता है कि एक बार में में कोई चीज़ समझ में ना आए दोबारा सोचो सोचो तीसरी बार सोचो, सोचते रहो जब तक वो चीज क्लियर नहीं होती द रीजन इज दैट आप जितना सोचोगे उतनी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा हमेशा अकाउंटिंग में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को थामे रखना मैं आपको सॉरी <coughs> मैं आपको सिंपल कह सकता था कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की बात होगी खत्म मैं आगे बात भी नहीं करता तो मैं आगे बढ़ जाता आपको आप भी बोलते हैं ठीक है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंटरी लिखते मैं जान के चीजें लिख रहा हूं आपको सोचना पड़ेगा तकलीफ होंगी आपको क्योंकि दिमाग लगाना और जितना सोचोगे उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा ट्रस्ट में है तो उपर -उपर वाला सब्जेक्ट नहीं कोई सब्जेक्ट वैसे सी में ऊपर ऊपर नहीं होता कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया उसमें मजा नहीं आए और उसमें आप स्कोर भी नहीं कर पाओगे मैं कहने के लिए कह देता चेंज इन इन्वेंट्री लिख लो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मगर आपको अंडरस्टैंडिंग जब जब आप आप तो तो आप ध्यान से मेरी बात सुन गया तो मैंने कहा मुझे आदत थी इस तरीके से लिखने की ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेकिन आप चेंज इन इन्वेंट्री में क्या लिखते है? पहले आप यहां पे ओपनिंग को आपने यहाँ पे लिखे ओपनिंग स्टॉक आपने लिखे और बच्चों आपने यहां पे क्या लिखे क्लोजिंग स्टॉक ऐसा तो आप चेंज इन इन्वेंट्री बताओ दैट इज नथिंग बट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग टेन माइनस टू सॉन माइनस एट इज वॉट हाउ मच दैट इज टू तो यहां पर आप चेंज इन इन्वेंट्री आप कितना दो हजार आपने बता दी लेकिन मैं कहता हूं आपको अगर मेरा ओपनिंग रहता दस हजार और क्लोजिंग रहता मेरा तेरह हजार तो मेरा तो क्रेडिट बैलेंस था क्रेडिट ज्यादा अग्री क्रेडिट ज्यादा लेकिन ये तीन हजार रुपये आपने नेगेटिव क्यों लिखे? ये क्रेडिट बैलेंस है और आप किसकी हेडिंग के अंदर रहे हो एक्सपेंस एक्सपेंस के? एक्सेंस के कौन से बैलेंस होते हैं? हमारे डेबिट बैलेंस होते? होते? होते और यहां पर मैंने कहा ओपनिंग है टेन और क्लोजिंग है थर्टीन इसका मतलब क्रेडिट आपने थर्टीन से करो और डेबिट आपने टेन से क्रेडिट ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस आप क्रेडिट बैलेंस के आइटम को आप एक्सपेंस में लिख रहे जिसके डेबिट बैलेंस होते हैं इसीलिए नेगेटिव आया वहां पर ऐसा सोचना पड़ेगा आपको यहां पे नॉर्मली डेबिट बैलेंस ये आपका ओपनिंग कितना दस हजार और क्लोजिंग कितना आपका एट हजार तो मैंने कहा ओपनिंग है मेरा दस हजार और क्लोजिंग कितना मेरा आठ हजार तो मेरा कितने से आया यहां पे दो हजार रुपए से मेरे यहां पर क्या डेबिट बैलेंस है मगर आप अलग अलग डेबिट और क्रेडिट नहीं बताते आप नेट बताते हो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो बड़ी सिंपल है चेंज इन इन्वेंट इस तरीके से हम लोग यहां पे लिखते हैं यहां ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से शेड्यूल थ्री में नहीं लिखा जाता अलग, अलग अलग अभी सोचने वाली बात है कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं लिखा जाता ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो भी अमाउंट है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी अमाउंट है वो मैं वहां पर लिख लेता हूं लेकिन मैंने किसके बारे में बात किया बेटे मैंने आपसे बच्चे बात किया यहाँ पे डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड स्टॉक एंड ट्रेड बेटा ये तीन चीजों के बारे में बात किया आपको नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई और स्टॉक है जो कि एक और तरह की इन्वेंट्री हो सकती है जिसके बारे में मैंने नहीं कहा हाँ एक और है दैट इज रॉ मटेरियल उसके बारे में मैं एक मिनट में आता हूं लेकिन क्या हुआ अब यहां पर आपको एक और चीज दिखेंगे यहाँ पे यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखते परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड तो कोई एंटिटी ऐसी हो सकती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, है। जो के के मैन्युफैक्चरिंग तो मतलब बनी बनाई हुई चीज मैंने खरीद के लिया और उसको मैंने बेचा फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉप उसने क्या ग्रोसरी कहीं से लाया और ज्यादा कीमत पे बेचा रिटेलर जो हम कहते हो मैन्युफेक्चर रिटेलर है तो वो उसका स्टॉक इन ट्रेड उसने कोई परचेज के तो वो

फिर चाहे मैंने पीएल में आपसे जो भी अभी तक बात किया मेरे यहां पर परचेज की बात की बट डोंट राइट इट लिखते हैं? नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम क्या उसको सेपरेटली लिखते द आंसर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली हम लोग लिखते हैं? नहीं हम लोग उसको चेंज इन इन्वेंट्री बताते इफेक्ट सेम ही होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बताओ उसका इफेक्ट वही होगा जो सेपरेटली भी ओपनिंग और क्लोजिंग अलग लिखते तो भी इफेक्ट वही होता ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करो तो भी इफेक्ट हमारा वही होना नेट इफेक्ट यहां पे आ जाएगा लेकिन सारे डिस्कशन में जो दो पॉइंट मैंने आपसे कहा दैट इज इज एंड चेंज इन कहीं पर भी रॉ मटेरियल के बारे में चर्चा नहीं तो मैं ये सोचता हूँ मेरे को तो रॉ मटेरियल के बारे में आपने बताया नहीं सर वो तो बात ही नहीं करी लेकिन ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है परचेज रॉ मटेरियल का भी हो सकता है अग्री मगर और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है तो आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे मेटर के बारे में मैंने अभी जो भी बात किया उसमें रॉ डिस्कशन नहीं हुआ I mean to say कि मैंने स्टॉक यहां पे लिया आई मीट टू से मैंने यहां पे नहीं लिया अभी तक फिलहाल मैंने परचेज ऑफ रॉ मेटेर के बारे में कोई बात नहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का परचेज तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का परचेज कोई बना बनाया हुआ गुड्स नहीं लाती मैन्युफैक्चरिंग लाइफेक्चरिंग वो तो रॉ मटेरियल खरीदती है और वो करती। तो इसका मतलब मैंने कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसका रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक हो सकता है अग्री उसका यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है अग्री उसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अग्री तो यहाँ पे तो उसके बारे में बात ही नहीं करेगी तो उसका ओपनिंग स्टॉक उसका परचेज और उसका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाएगा तो अगर आप शेड्यूल थ्री देखते हो यूज द वर्ड हियर

रॉ मटेरियल का परचे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का परचेज और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक इन तीनों आइटम को हम एक ही जगह पर एडजस्ट दे उसे कहते कॉस्ट ऑफ कंज्यूम इट मींस दैट ये जो पॉइंट है हमारा ये हमें किसके बारे में बता रहा है ये सारा डिस्कशन कर रहा है हमारा किससे रिलेटेड रॉ मटेरियल से रिलेटेड पॉइंट कर रहा है फिर चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो फिर चाहे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो या फिर चाहे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल

वो कहते हैं कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड फिनिश गुड्स वो था जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और मैन्युफैक्चर करके जो गुड्स साल के में मैन्युफैक्चर हो चुका फिनिश गुड्स है WIP मतलब वो भी प्रोसेस में और स्टॉक इन ट्रेड वो एंटिटी का है जो आपसे खरीदा हुआ लेके आता है बना बना और उसी को ज्यादा कीमत में बेच रहा है तो बेसिकली जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया वो आपको रॉ मेटल के बारे में बात नहीं कर रहा है वो जो आपको यहाँ पे

परचेज आपका रॉ मटेरियल का अब देखो अब परचेज कोई डब्लू आईपी का परचेज नहीं होता और फिनिश गुड्स का भी कोई परचेज नहीं होता स्टॉक इन ट्रेड का परचेज होता है बनी बनाई गुड्स लिखा तो आप बोलेंगे रॉ मटेरियल परचेज करे उसका पॉइंट यहां पर आ गया अब यहां पे रॉ मटेरियल परचेज करे उसका पॉइंट हमारा यहां पर आ गया अब आप मुझसे कहोगे कि नहीं सर आपने जो यहां पे जसगीवेंट है बैटरी का ओके अब उसके बाद यहाँ पे अब हमसे यहां, यहां पे कहता है कि यहां पर मैंने कहा कि रॉ मटेरियल के बारे में यहां पर आगे आप बोलेंगे यहां पे स्टॉक एंड ट्रेड आगे तो क्या सर परचेज हमारा फिनिश गुड्स का डब्ल्यू आईपी का नहीं होता फिनिश नहीं होता कभी नहीं खरीदा जाता है सॉरी अपना फॉर्म में कोई गुड्स नहीं खरीदा जाता है और फिनिश गुड्स तो जो हमने मैन्युफैक्चर करके बनाए हैं उसको फिनिश गुड्स बोलते हमने बनाए तो परचेज हम रॉ मटेरियल करते और अगर ट्रेडिंग बिजनेस में बना बनाया लाते हैं उसको बेचते स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं ओके इसका मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे यहाँ पे बनाएंगे जब भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो हमको इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखना रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ऑफ नॉर्मल स्टॉक इन ट्रेड एंड दिस इज चेंजेस इन इन्वेट्री ऑफ वॉट फिनिश गुड्स डब्ल्यू आईपी इन स्टॉक इन ट्रेड तो so, वाले point वह यहाँ पर आपका होगा। समझ में में आई चीज़ आपको? अब अगर मैं बात करा था एटीन में अगर आप तो आपसे यही कह रहा है क्या कह रहा है 18 में आपसे? आपसे रहे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उससे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मेटेर कंज्यूम अब यहाँ पे आपने ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल का लिखे अब आपने के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपने रॉ मटेरियल का लिखे बक, बचे हुए जो आपके उसका कहां पे तो आपका ओपनिंग स्टॉक आपने यहाँ पे और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे किसके बारे में बात की बेटा फिनिश गुड्स डब्ल्यू आईपी स्टॉक ट्रेड के बारे में यहां पे बात हुई समझ बस ये फर्क है तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं एज पर शेड्यूल थ्री अब यहाँ पे हमसे कहते हैं नोट नेगेटिव चेंज इन इन्वेंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव फिगर आपको रिपोर्ट करना रहेगा सिंपल है, है, आपको करना रहे है। वापस मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता हूं शेड्यूल थ्री के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे क्या कहता है वो क्या कहता है वह कहता है एम्प्लॉय एक्सपेन्स मतलब वो एक्सपेंसिस जो किससे रिलेटेड एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे अभी हेडिंग आपको वैसे ही मैंशन करना है जब शेड्यूल थ्री हम लोग बनाएंगे तो हेडिंग हमारी ऐसी, ऐसी in रिलेटेड खर्चे बहुत होते लेकिन हेडिंग स्पेसिफिकली किसको रिप्रेजेंट कर एम्प्लॉय से रिलेटेड अब उसके बारे में नोट नंबर ट्वेंटी में देख रखा है तो नोट नंबर ट्वेंटी में जाकर हम लोग देखते तो नोट नंबर ट्वेंटी क्या कहता है वहां पर

ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आपका आएगा अब स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आपने बोनस दे दी उनको आपने वो इस्तेमाल कोई भी चीज एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए आपने कोई उनको ट्रेनिंग करा दी एम्प्लॉय के सेशन एम्प्लॉय को इंटरनेशनल अकाउंट पढ़ाओ हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करती है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की एक आदत भी होती है बेटा कि अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत सी ट्रेनिंग वो कराते तो एम्प्लॉय से रिलेटेड उनके वेलफेयर के लिए उनको आना चाहिए जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए उनको, ट्रेनिंग करौ, ट्रेनिंग करौ, ट्रेनिंग करौ, ट्रेनिंग उनको करा तो उनको ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग कोई भी खर्चा से है, तो कहा मर, में हम का okay. अब उसके बाद हम वापस जाते शेड्यूल थ्री में पहुंचे पीएन कौन आगे हमसे कहते हैं कॉस्ट से रिलेटेड इज दस कॉस्ट एग्जाम्पल इंटरेस्ट तो आपने जो भी खर्चा करे रिलेटेड आप फिनेंस कराते हो फॉर एग्जाम्पल

कि आपकी एज में तो मतलब उस जमाने को मैं सोचता हूँ जब मैं स्टूडेंट था आपके कितना सोचता था कि नहीं आ, अपने आप से बड़ी बातें करता सी ए बन जाओ तो आप लोग भी इस उम्र में भी सोचते हैं सी ए बन जाए लेकिन टाइटल है अपने नाम आप अपना नाम सोचो उसके पहले सोचो सी ए लिखा हुआ उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ठीक है और आपको भले भरोसा हो या ना मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सी ए बन जाओ सच में कह रहा हूँ सी ए बन जाओ लेकिन शर्त ये अपने आप से ईमानदार रहो ईमानदार रहो पूरी शिद्दत से मेहनत करो सीए बन जाओ कोई नहीं रोक सकता आपको सीए, बन सीए तो आप बन लेकिन आपको शिद्दत से पूरी मेहनत आपको करना मेहनत आपको बहुत करना है नो डाउट अबाउट आप पक्के से सीए बनोगे लेकिन मेहनत रखो अपने शोर बहुत मजा दे सीए ऐसा है वैसा है आप पक्के से बने लेकिन शर्त ये आप कंसिस्टेंट रहो रोज पढ़ो बार बार ये पॉइंट रिपीट करता हूं आप कंसिस्टेंट रहना आपको अच्छा लगे या ना लगे

बोल रहा हूं अब ये हमारे सी ए साहब तो मैंने कहा यह मिस्टर चार्टेड अकाउंट ये हमारे सी अब मैंने कहा वो सी ए के पास गए हम लोग गए सीए के पास और सीए के पास एक क्ला... क्ला... क्लाइंट गया ये क्लाइंट गए सी ए साहब सीए साहब मुझे एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किसको लाना है ये क्लाइंट को प्रोजेक्ट है क्लाइंट का प्रोजेक्ट है उसने कहा मुझे प्रोजेक्ट लेके आना पैसा लगेगा इसमें तो वो क्लाइंट कहता है सीए साहब को अरे सर मेरे पास तो पैसा नहीं थोड़ा बहुत पैसा है

और बैंक में मैनेजर क्या रिपोर्ट बनाया हाँ आपने प्रॉफिट दिख रहा है फ्यूचर में बेहतरीन रिपोर्ट बनाया और उसने क्या करा सी एस को ला रहे और कोई सर नहीं आप, कोई बात है आपके लिए आपने इतनी बेहतरीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया आपको हम दे देते दे? पांच करोड़ का लोन अप्रूव करो क्लाइंट के लिए इनके क्या रिपोर्ट बनाए बनाया सीएस ने और क्लाइंट को लोन हो गया अप्रूव तो फ्री में काम नहीं करता किसी का काम नहीं करता सी और करना भी नहीं चाहिए क्यों करना इतनी मेहनत करते तुम इतनी मेहनत करो एक रुपए में किसी का फ्री में काम करके नहीं देना सीए बन के ठीक है इतनी मेहनत कर रहे हो बहुत पैसे कमाना लेकिन अभी मेहनत अभी इतनी मेहनत कर रहे हो आप ही को पता आपकी मेहनत और ये जो बुरी आदत रहती है लोग कॉल करते रहे, जुबैर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा टैक्स का इतना लगता है यार क्यों पूछ रहे हो पूछ रहे हो तो फिर फीस दो फ्री में काम नहीं करना अभी जो रिश्तेदार तुमको बोल रहे हैं ना हाँ उनको ही फोन करेंगे तुमको अभी अभी जो तुम्हारे रिश्तेदार फोन करने क्या हुआ बेटा सीए बना क्या बना के पचास बार पूछ लेंगे तुमको अभी तीन चार साल में जब तक तुम्हारा फाइनल नहीं होता पागल कर देंगे

तो पांच करोड़ का अगर मैं बोलू यहां पर दस परसेंट भी अगर दस परसेंट तो चलो बहुत हो जा रहा है दस परसेंट बहुत दो परसेंट तीन परसेंट ले तो पांच करोड़ का अगर मैं कहता हूं यहां पे कितना लिया मैं पांच करोड़ का अगर मैं तीन परसेंट बेलू तो आता है ज्यादा नहीं पंद्रह लाख रुपया आता है पंद्रह लाख रुपए फीस ले लेना पंद्रह लाख आपकी फीस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर है इस तरीके से होता है बेटा तो जितना आपका लोन आपने पचास करोड़ का लोन अप्रूव कर सोचो तीन परसेंट दो परसेंट मिलेगा कितना अमाउंट आपको मिलेगा है ना तो आपको बहुत डेढ़ करोड़ मिल जाए आपकी फीस रहेंगे आपका तो आप बड़ा काम प्रोजेक्ट का ही है सब्सिडीज आती है गवर्नमेंट अप्रूव करती है प्रोजेक्ट आते हैं जिनको टेंडर रहते हैं तो उसमें लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन सिर्फ जमा सब्सिडी भी गवर्नमेंट उसका भी काम करते कैसी है गवर्नमेंट की सब्सिडीज आती है हम क्लाइंट को मैं दिला के देता हूँ गवर्नमेंट से उसमें भी फीस चार्ज करते हैं तो बहुत फीस चार्ज करते हैं कि आप कितना पैसा कमाने वाले जिंदगी में बस मेहनत ईमानदारी से अभी करो ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट किसके लिए बना क्लाइंट के लिए क्लाइंट प्रोजेक्ट तो क्लाइंट का काम सीए ने करो मेडिटर का रोल वो लोन लाके दिया तो फीस लेंगे जो भी इसने फीस लिया तो क्लाइंट के लिए अदर बोरोविंग वो बॉर करने के लिए वो लोन लेने के लिए उस क्लाइंट को सीए को फीस देना रहा तो इज अदर बोरोविंग एग्जाम्पल दिया उसको तो वो खर्चा जो बोर करने के लिए करा गया उसको हम अदर बॉरिंग कॉस्ट कहते हैं तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा हमारा होता है तो यहां पर हमने देखे वापस चले जाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो यहां पर आपको देखा फाइनेंस कॉस्ट यहां पर इसका मतलब मेरे एक्सपेंसिस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेटल इज ओपनिंग प्लस ओपनिंग प्लस परचेज क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल देन नॉर्मल परचेज अदर देन रॉ मटेरियल देन देन चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ एनी स्टॉक अदर रॉ मटेरियल आई मीन टू चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग देन बेनिफिट एक्सपेंस फिर फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड खर्चे अब उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन बेटा डेप्रिसिएशन बहुत ही नॉर्मल चीज है आपको पता है बट दे यूज द वर्ड इप्रेशन एंड अमोटाइजेशन तो जो टेंजिबल आइटम होता है अब हम लोग एस स्टर्न आगे पढ़ने तो उसका हम फिक्स के नाम से नहीं बुलाते हम किस नाम से बुलाते पीपी एनी वे वॉट एवर डेप्रीसिएशन चार्ज थे तो वो एक एक्सपेंस है लेकिन इंटेंजिबल एसेट होती तो वी डोंट कॉल इट डेप्रिशिएशन इंटेंजिबल एसेट भी डेप्रिशिएट होती है तो जो भी डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन के एक्सपेन्स आपके यहाँ पे आएंगे

तो सीधा अदर एक्सपेंस तो जब भी आप कोई भी एक्सपेंस देखते हो अगर वो छह कैटेगरी में नहीं आ रहा है बच्चों अगर आप वो छह कैटेगरी में नहीं आ रहे हो तो आप कहा लिख दोगे अगर वो कैटेगरी में आप नहीं आ रहे हो तो आप सीधा सीधा, सीधा उसको उसको अदर में हम लिख देना रहेगा तो मैंने कहा कोई भी एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल बैड डेप की यहाँ पे कोई हेडिंग है अलग से नहीं तो बैड आपका यहां पर मैंने कहा टेलीफोन बिल टेलीफोन बिल की कोई हेडिंग है यहाँ पे नहीं तो लिख दो अदर एक्सपेंस तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है अदर एक्सपेंसेस ये चीज आपने ख्याल रखना तो जिसका कोई नहीं वो किस में आएगा बच्चों आपका वो आ जाएगा आपका अदर एक्सपेंसेस में इसको आपको ख्याल रखना तो इस तरीके से आप सारे एक्सपेंसेस यहां पर लिखते यहां पर मैंने सारी रेवेन्यू लिखा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम तो टोटल रेवेन्यू आए यहां पे एक्सपेंसेस लिखे बाद मेरा टोटल एक्सपेंस आ गया अब तो बहुत सिंपल है तो व्हाट इज दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू माइनस मुझे क्या करना रहेगा रेवेन्यू माइनस मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपने रेवेन्यू में से माइनस करें कितने सारे एक्सपेंसेस को हमने पे पे क्या माइनस करें? करें. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा अब उसमें से टैक्स को माइनस करूंगा तो फिर टैक्स भी माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा सिंपल है इतना तो टैक्स भी आपने यहाँ टैक्स जिसकी मैं मिनट ये क्या हो गया इसे एक सेकंड रुकना जस्ट गिव मी वन मिनट के चार्ज क्यों नहीं हो रहा ओके अब देखो ध्यान से तो यहाँ पे आपने रेवेन्यू लिखे रेवेन्यू की टोटल करो अब उसके बाद एक्सपेंस लिखे टोटल लिखे रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आए फिर उसमें से क्या करना बेटे टैक्स को माइनस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया एज इट इज सेम एज इट इज अपने को सारे क्वेश्चन में जहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन बनाएंगे इस तरीके से अपने को बनाना रहेगा एक बार रिवाइज कर ले कैसे इसको बनाना पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है फिर अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड आपने अदर इनकम लिखी तो टोटल रेवेन्यू फिर एक्सपेंस सात कैटेगरी पहला कौन सा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देन नॉर्मल परचेज देन चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अदर देन रॉ मटेरियल ऑब्वियसली रॉ मटेरियल पहले आ चुका है Then, expenses, cost, और जो छह कैटेगरी वो सातवी कैटेगरी अदर एक्सपेंसिस में टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करना रहेगा लेकिन एक बात मेरी समझना पड़ेगा शेड्यूल थ्री में इसके अलावा भी कुछ एक दो चीजें है मैं आपके नॉलेज के लिए वो कह रहा हूं लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि जब आईसीए सजेस्टेड आंसर में ये कोई भी रहा, आपको ऐसा ही फॉर्मेट और ऐसा ही बनाना ठीक है लेकिन इसके अलावा एक दो चीजें आती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर डिस्कशन होने वाला है क्या चीजें अब जैसे कि आपको यहां पर कहते हैं कि ऐसा कोई आपका एक्स्ट्रो आइटम हो ठीक है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम पढ़ेंगे जब उसके बारे में बात करेंगे कोई एक्स्ट्रो आइटम हो तो हमसे कहता है कि यहां पर आपने ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दैट शुड बी Other than item. अगर है, तो उसको आपने अलग से बताना चाहिए तो जब अकाउंटिंग ऑपरेशन um, अब उसके बारे में भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे ट्वेंटी फोर वहां पर बात होगी वॉट इज दिस डिस्कटिन्यूंग ऑपरेशन डिस्कंटिन्यूंग ऑपरेशन मतलब कोई ऑपरेशन अभी बंद हुआ नहीं है मतलब हमारा कोई बिजनेस उसका कुछ एक एरिया बंद कर डिस्टिन्यूंग ऑपरेशन नॉट डिस ऑपरेशन डिसकंटिन्यू होने जा रहा है जिसको हम बंद करने जा रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको इनका पे प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से बताना होता है कि जो ऑपरेशन बंद होने वाला है उसका प्रॉफिट आपका कितना उसको हमको अलग से बताना होता है तो अभी इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा नहीं करना वो वो आएगा जब मैं आपको एस ट्वेंटी फोर डिस्कंटिन्यूंग ऑपरेशन पढ़ाऊंगा वहां पर हम उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में एज इट इज ऐसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉपी पेस्ट देख लो अच्छे से वर्ड टू वर्ड अपने को ऐसा ही बनाना रहेगा अब ये हमारा सारा डिस्कशन हुआ किसके रिलेटेड हमारा सारा डिस्कशन पे खत्म होता है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस दैट डू नॉट फिट इन एनी अदर एक्सपेंस वो आपका डू नॉट फिट इन टू एनी अदर एक्सपेंसेस वो आपका अदर एक्सपेंसेस में यहां पर आ जाएगा जो और किसी का ही यहां पर आएगा वो कहना चाहते अब उसके बाद यहाँ डिविजिबल दि, दि, प्रॉफिट सब क्या होता है वो हम आ, बाद में जब वो उस क्वेश्चन आएंगे जब मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा अब आप आ जाओगे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर थ्री पे अब मुझे नहीं लगता कि ये मिनट्स में हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री होगा मुझको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन जितना वो हम सारा डिस्कस कर रहे थे बेटा जितना भी वो सारा डिस्कस कर रहे थे हम लोग उसको और एटलीस्ट ड्रॉ ये सब तो हमारा हो जाएगा देखते जितना भी हो देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री अब क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको यहाँ पे बनाना है द फॉलोइंग आर दैलेंटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लिमिटेड एज ऑन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऐसे क्वेश्चन आगे भी आने वाला है लेकिन वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमको दोनों पूछा है वहां पे क्या पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमको दोनों बनाना रहेगा इस क्वेश्चन में सिर्फ पी एन एल पूछा है सिर्फ पी एन एल पूछे तो पहले हम इसको कर लेते अब इसमें एक दो एडजस्टमेंट बहुत अच्छे है आपको लेकिन बहुत ध्यान से आपको मेरी बात सुनना रहेगा The 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 balances are are extracted from the books of 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 as on 31st of March 2023. 7 तो 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 में हमको कहता है, You are required to prepare statement of profit and loss. हमको सिर्फ क्या बनाना है यहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको यहां पे सिर्फ बनाना है एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ Companies Act फॉर दर the थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर वो बोलता वैसे फिगर, फिगर इग्नोर ही नहीं. तो कहां से लिखेंगे? मगर रियल लाइफ में दो कॉलम होते कि current year की फिगर हम बताते और प्रीवियस ईयर की फिगर की थी वो भी हमको बताना रहता है ओके okay. अब यहाँ पे हम लोग बात करते ट्रायल यहाँ सिस्टम दे रखा है याँपे? ट्रायल बेन्स सिस्टम पूरी दे रखा है जो ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी अपना बैलेंस शीट और, और तो इनकम एक्सपेंस एसेट लाइब्रेडिटी कैपिटल सब यहाँ पे दे रखा है लेकिन मेरे को बैलेंस शीट बनाना नहीं ना तो मैं कहता हूं तो अगर मेरे को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं बेटा तो फिर तो मेरे लिए रेलवेंट ही नहीं रखते वो पॉइंट क्या मेरे लिए कोई रेलवेंस रखता है आंसर इज नो क्योंकि मेरे को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं पे पीएनल बनाना तो मगर

रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंसेंड ट्वेंटी रिपेयर इज वन लाखी नाइन सिक्सिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीन इज फाइव लाख नाइन सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंडियस रिसीप वन लाख फोर्टी टू एट हंड्रेड ओके अब उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने किस किस पे दिया

डेपरेशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी टेन परसेंट पर एन एम ऑन कॉस्ट तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी कुछ कहा गया है अच्छा यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया मैंने ओके जस्ट गिव मी अ मिनट तो ये आपका रेफरेंस यहाँ पे रेफरेंस दे, दे देता ना वन पॉइंट नंबर वन में कुछ का ऑफ इसके पॉइंट नंबर टू में कुछ का लैंड के बारे में पॉइंट नंबर थ्री में कुछ का पॉइंट नंबर थ्री में का है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में पॉइंट नंबर फोर में कुछ ठीक है फिफ्थ मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स प्रोविजन ठीक है दो अलग आपके पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक जो डायरेक्टली अपने को एडजस्ट वहीं करना रहेगा दैट इज 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 वन वन रिलेटेड रिलेटेड टू टू क्लोजिंग स्टॉक एंड व्हाट इनकम टैक्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट डिक्लेयर डिविडेंड डिविडेंड ऑफ फोर टेन परसेंट सॉरी ऑन इक्विटी शेयर ऑन फोर्थ ऑफ अप्रिल ट्वेंटी थ्री तो इसके बारे में भी आपको मतलब जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर करें उस साल हमको इसको अकाउंट करना रहता है जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर करें डिविडेंड डयर कब करो ने फोर्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी थ्री को कर तो वो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वाले फाइनेंशियल ईयर में उसकी अकाउंटिंग हो अभी हमने करना नहीं है कभी बच्चे पूछ लेते सर अगर थर्टी फर्स्ट मार्च को डिक्लेयर करके अगर कर दिया जैसे आपको होमवर्क क्वेश्चन है कैसा है तो मैं आपको जब जब भी होमवर्क दूंगा आपको बताऊंगा थर्टी फर्स्ट मार्च को डिक्लेयर करा तो अपने को क्या करना रहेगा तो थर्टी फर्स्ट ये फोर्थ अप्रैल को इसकी अकाउंटिंग नहीं करना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में वो तो अपने को इसकी अकाउंटिंग नहीं करना ये आई मीन टू नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में इसकी अकाउंटिंग होगी थर्टी फर्स्ट मार्च को जो, साल की जो इसमें होने वाला नहीं है उसके बाद को को तो हम March को इसको record करने वाले नहीं है ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बाप मेरी अब जब भी अगर थर्टी फर्स्ट मार्च को अगर कर दिया अगर कर दिया तो क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन है ठीक है थीके? अब अपने को यहाँ पे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट नाउ राइट लिखो लिखेंगे अब आप वहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री राइट डाउन देर ओके क्वेश्चन नंबर थ्री रिस्र लिमिटेड ऐसे भी लिख सकते हैं पार्ट टू बेहतरीन तरीके से स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसको एक पेज नहीं लगता थोड़ा सा कम ही स्पेस लगेगा आपसे ओके okay? in okay, note amount in okay, note amount write down there first revenue from operation second okay, revenue from operation write in second other income तोटल, तोटल आप टोटल यहां पे करेंगे टोटल टोटल रेवेन्यू आप लिखेंगे और टोटल इनकम देन हियर ओके एक्सपेंसेस राइट डाउन देयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम परचेज चेंज इन इन्वेंट्री सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्रीज है वो लिखने की जरूरत है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड ऑन आपका स्टॉक एंट्री बस चेंज इन इन्वेंट्री इट इज इम्प्लाइडेड कि आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल लिखना रहे दैट्स इट ओके then you have to write employee benefit write down the employee benefit expenses finance cost depreciation and amortization एक्सपेंसिस अदर एक्सपेंसिस टोटल एक्सपेंसिस यहां पर लिखेंगे आपके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ प्रॉफिट बिफोर टैक्स Total income minus total expense. Okay. Then here provision for tax. Provision for tax. Then here last one profit after tax. ओके okay, अब नोट्स अकाउंट किसका बनाना हुआ पे क्वेश्चन है हमेशा रखना? के में. हमेशा excuse, आपको का बनाना ही छह कैटेगरी में नहीं आती वो अदर एक्सपेंस में आता है अदर एक्सपेंस हमेशा बनाना अब मैं क्वेश्चन देखू यहाँ पे तो उसने तो मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कुछ दे रखा है कि रेवेन्यू फ्रॉ जिस मिनट

तो एक फिनेंस पे बना लो और एक अदर एक्सपेंस पे तो हमेशा बना अब मैंने तीन ही बनाए लेकिन अगर सपोज कभी बनाते बनाते मेरे को एहसास हुआ सपोज अगर मैं फिनेंस कॉस्ट का नहीं बनाता और मैं अदर इनकम और अदर एक्सपेंस कमा लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज नहीं यार कॉस्ट में भी दो आइटम दिए डिबेंचर इंटरेस्ट और बैंक इंटरेस्ट तो उसके ऊपर भी बनना चाहिए था बाद में मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ तो अगर मैं कहता तो बाद में, में रियल आई थी तो आपको नहीं लगता फिर बाद में ऐड कर इट्स ओके okay. लेकिन आपने कोशिश ये करा पहले सिक्वेंस में आप लिखो लेकिन आपको जब बाद में रियलाइजी तो बाद में भी उसको आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब आप इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट नोट्स टू अकाउंट्स नंबर वन राइट डाउन देर अदर इनकम एवरेज पांच छह लाइन के स्पीस अदर इन ठीक है एवरेज पांच छह लाइन के स्पीस राइट डाउन नोट नंबर टूट इज फीनेस इसमें भी ज्यादा चार पांच लाइन का स्पीस नोट्स नंबर थ्री वो है आपका अदर एक्सपेंसिस तो आप यहां पर लिख देंगे अदर एक्सपेंसिस

पढ़ के आना एक बार खुद से भी है तो कल मैं आऊंगा ऑलरेडी मैं क्वेश्चन रीड कर चुके हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बस कल हम लोग शुरू सॉल्व करना शुरू करूंगा तो क्वेश्चन एक बार रीड करके खुद से भी आना है। अब आज का होमवर्क आप लोग ले लो आज का होमवर्क यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग श्री गुड मॉर्निंग क्लास खत्म हो रही है अभी ओके अब यहाँ पे ध्यान से बेटा अब यहाँ पे आप एक होमवर्क लिख लो जिसकी मैं मिनट आप क्वेश्चन बैंक में जाओ तो क्वेश्चन बैंक में आप या इसी में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर ये आज का आपका होमवर्क है अब इसमें कोई नई पहले मैं लिख देता हूँ तो आपका होमवर्क जो है आज का क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो होमवर्क राइट डाउन होमवर्क जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन आज का आपका होमवर्क है ठीक है अभी जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन जो क्लास में ये हम कंटिन्यू कल करेंगे इसको लेकिन क्वेश्चन में थर्टीन आपका होमवर्क है अब उसमें कोई नई चीजें क्या हम वो देख लेते हैं पहले तो यहाँ पे मैं देख लू कुछ नया है क्या तो आईसी के स्टडी मेटर का क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन आर टी पी में, में पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश में पायन आर लिमिटेड प्रीपेयर द बैलेंस शीट पूछा है सिवा पी एन नहीं पूछा बैलेंस शीट ऑन थर्टी मार्च ट्वेंटी एज रिक्वायर्ड बाई द शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनी गिव नोट एट फुट ऑफ द बैलेंस मतलब नोट्स तो कॉम भी बनाना तो इक्विटी शेयर कैपिटल लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जर्नलिज्म लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्वेंट्री फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ट्रेड रिसीवेबल एडवांस डिविडेंड पेबल से कोई नई चीज आई जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अब ये डिविडेंट पेबल जो है आपका ये तो आपकी लाइब्रिलिटी ना ये आपकी अदर करंट ये कहा आएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटी ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एफ सर्विस कैश एन बैंक कैश एड बैंक ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड ठीक है ट्रेड पेबल आपने कोई गुड्स परचेस करे कोई या कोई एक्सपेंसि होंगे आपके दूसरे जो पे आपने लाइबिली आपकी ट्रेड पेबल ठीक है तो सिंपल अब अदर अभी तक तो कुछ खास नए नहीं है और डिविडन पेबल वैसे हमने वैसे किया अनपेड डिविडेंड का आपको बताया था न तो फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड

जो भी पूरे हुए नहीं कमिट करके लेकिन पूरे हुए नहीं वो भी हमको करोज करें रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूट जो हमारे काम अभी बचे हुए वो हमको बताना होता है ठीक है अब यहां द इलेक्शन ऑफ मशनरी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शन ऑफ मशीन मशनरी रुपीजीजन लाख फिफ्टी विच इज स्टिल इनकम्प्लीट ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ये कंप्लीट हुआ इनकम्प्लीट है तो कोई कमिटमेंट आपका जो इनकम्प्लीट है वो सिर्फ नोट्स अकाउंट में डिस्कलोज करना इसका सोल्यूशन आपको नीचे ही आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन बैंक में जो होमवर्क वाले क्वेश्चन सारे के सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पे वो दिए रहेंगे तो होमवर्क वाले जो क्वेश्चन है बच्चे सबके सोल्यूशन दिए अभी आप जब सॉल्व करो आपने ख्याल रखना कि आपको जो सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना उसको कहां डिस्क्लोज करना है कहीं ना कहीं से कर रखा ये एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर टू बी रूपीजीक्यूटेड जो हमारा काम इनकम्प्लीट है जो करना है उसको सिर्फ डिस्कलोज करना होता है ताकि यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि वो काम पेंडिंग है ये भी होने वाला आगे हमारा कमिटमेंट हमको करना है तो दैट इसके बारे में सिर्फ अपने को इस तरीके से यहाँ पे डिस्कलोज करना है और कोई भी नई चीज क्वेश्चन में नहीं है तो आज का आपका होमवर्क कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्टीन और मस्ट है आप ख्याल हो कोई बहुत भारी काम नहीं है खुश रहो पहली चीज तो खुश रहो हंसते खेलते रहो और डिसिप्लिन रखे आपने कोई स्ट्रेस लेके नहीं करना है

बुक तो ऑबली नोटबुक से ज्यादा लगेंगी जब एक खत्म हो जाएंगे लेकिन होमवर्क और क्लास बुक अलग से इतनी कलाकारी तो जैसा तो जैसा मैं करा रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ वैसे आपको इसी नोटबुक में करना रहेगा तो ये आज का बस ज्यादा क्वेश्चन जो रोज पढ़ा है रोज पढ़ा आज जो भी पढ़ा है वो आपको पढ़ना रहेगा जो होमवर्क दे रहा हो वो आपको होमवर्क करना बस इतनी चीज करो

मेरी जिंदगी के नौ महीने सबसे इंपॉर्टेंट है बोला तेको नहीं पता मैंने नौ महीने बाद क्योंकि नौ महीने हो जाए फिर क्योंकि मैं सारी जिंदगी तेरे बर्थडे पे आऊंगा बोला एक दिन पहले से आ जाए करूँगा घूमेंगे फिरेंगे बोला अपन बढ़िया लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं मतलब नौ महीने मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है वेदर यू आर गोइंग टू बिकम अकाउंटेंट ये नो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल मतलब आपको बहुत ही ध्यान से रहा है ये नहीं बोलते डिप्रेशन में चले जाओ स्ट्रेस खुश रहो खुशी खुशी रहो मगर आपको प्रॉपर ही सारी चीजें आपको जो रेगुलर आपको क्लासेस हो रही है पेंडिंग प्लीज मत होने तीनों क्लासेस जो ग्रुप वन की चल रही है उसको प्रॉपर करो और प्रॉपर उसके लिए आप शाम को के से लिए तीन घंटे आपके पास रहना ही चाहिए जो दिन भर पड़े उसको तीन घंटे में रिवाइज करो और जो भी फैकल्टी आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपके टेस्ट के लिए बराबर टेस्ट आप उसके देते जाओगे तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर थर्टीन होमवर्क इसको करना नहीं भूलना और एक और चीज जब आप होमवर्क करोगे तो होगा आपका सोल्यूशन वहीं पर दिया हुआ है आपने होमवर्क करे आपको वहां पर दिखेगा हमने सॉल्व तो कर दी फिर आपको दिखा तो आपसे हो सकता है कोई गलती हो तो गलती हो तो प्लीज नर्वस नहीं होना गलती होना कोई दिक्कत बात नहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन गलती होकर सुधारना आपको रहेगा अच्छा ये गलती और आपने आपने नॉर्मल ब्लू ब्लैक जो भी कलर आप पेन का यूज कर तो उससे आपने करे जब आप उसको सोल्यूशन आपका क्वेश्चन बैंक में दे रखा है तो आपने सोल्यूशन चेक कर फिर आपने देखना कि गलती कहाँ पर बेटा और गलती जहां पर भी आपने गलती करी उसको रेड कलर से मार्क कर देना क्यों मार्क कर देना रेड कलर से कि अगली बार जब आपसे कभी गलती होना नहीं चाहिए और जब आप रिवाइज करोगे आपको दिखेगा कि आपने रेड कलर से मार्क करके रखे हो कुछ तो भी आप निशान लगा देना आपको पता रहेगा तो इस क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे सिर्फ आपने जहां गलती करी वो देखोगे और दोबारा आपको गलती कभी नहीं करोगे तो आपने नॉर्मल करो गलती हो तो प्लीज नर्वस नहीं होना अरे यार मेरी तो गलती होगी अब क्या करूंगा कुछ नहीं होता गलती होगी यहाँ अलर्ट रहना जब आप क्वेश्चन सोल्व होंगे बहुत ध्यान रहना चाहिए अलर्ट रहना एकदम आपने और जब आप होमवर्क करते हो सब मोबाइल सब हर चीज दूर और ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम हॉल में बेटा पेपर सॉल्व कर उसके बाद चेक करना आंसर गलती हुई तो कोई दिक्कत नहीं कहाँ गलती हो समझ उसके बाद अगर कभी ऐसा रेयरली होगा हो आपको समझ में नहीं सोल्यूशन दिए समझ जाओगे कहां गलती हुई अगर रेयरली कभी ऐसा होगा आपको समझ में नहीं है तो मैं हूं ना दूसरे दिन क्लास में पूछो रिकॉर्डेड वाले बच्चे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज ड्रॉप करो मैं आपको रिप्लाई दूंगा ठीक है तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री सॉरी क्वेश्चन नंबर नॉट थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टीन दैट इज फॉर टुडे टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय बाय